एंड जैसा कि बोला था लॉ ऑफ इक्विटी का मैं क्रैश कोर्स लूंगी सो लॉ ऑफ इक्विटी के क्रैश कोर्स में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि टॉपिक्स क्या है ठीक है बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है थोड़ा सा फिलोसफिकल है लाइक जोरो स्टूडेंट्स और लॉ ऑफ टॉट्स क्योंकि अनकोडिफाइड है इसीलिए थोड़ा सा उसका ओर छोर पकड़ना मुश्किल होता है बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट सब्जेक्ट टू स्टडी ठीक है थोड़ा सा आ, बस ध्यान दीजिएगा फिलोसफिकल है थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान देंगे काम बन जाएगा ठीक है मेजर टॉपिक्स क्या है इसमें डिस्कस करने के लिए वो अपन देख लेते हैं एक तो है ओरिजिन लॉ ऑफ इक्विटी की ओरिजिन कहां से हुई है दूसरा जो टॉपिक हमारे पास में है वो है कि इक्विटी uh, होता क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी एंड लॉ ऑफ इक्विटी क्या एड्रेस करता है या किस तरह से वर्क करता है फिर जो दूसरी चीज तीसरा टॉपिक है वो है नीड एंड पर्पस क्यों लॉ ऑफ इक्विटी की जरूरत है या क्यों इस तरह के किसी लॉ की हमको जरूरत पड़ी वो हम देखेंगे एंड अगली चीज जो है वो है डेवलपमेंट किस तरह से लॉ ऑफ इक्विटी ये जो लॉ है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ क्योंकि कोई एनेक्टमेंट तो है नहीं अनकोडिफाइड है सो बेसिकली इट इज जस्ट कंपाइलेशन ऑफ सम समिपल्स एंड डॉक्टर सो वो किस तरह से इवेंचुअली इवॉल्व हुई है uh, क्या सोर्स ऑफ एवोल्यूशन था वो सब अपन इसमें देखेंगे एंड अपना लास्ट टॉपिक जो है वो है मैगजिम्स मैगजिम्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आप लोगों को बहुत जल्दी में है आप आप और आप कुछ और कुछ नहीं कवर कर पा रहे हैं तो प्लीज मैगजिम्स कवर कर लीजिएगा बारह अंदर जो टोटल लॉ ऑफ इक्विटी के साथ में डील करती हैं ठीक है एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो कि दे आर बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ 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 लॉ लॉ इक्विटी सो इसको अगर आप मैगजीन पढ़ लेंगे सिर्फ तो भी आपको काफी तैयारी आपकी हो जाएगी यू कैन से दैट

अपने डाउट्स डाल दीजिएगा इवेंचुअली विल आंसर टू द डाउट्स ऑल्सो अरे देर विल ऑलवेज बी फ्यू हिकअप्स है ना हिकअप्स और पर्ड्स तो आते रहेंगे रस्ते में अपने सक्सेस uh, के बट जस्ट कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप योर सेल्फ वेरी डिसिप्लेंड है ना डिसिप्लिन के साथ में यू कैन क्रॉस एवरीथिंग एंड एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड यू आर अर क्वाइट अ डिसिप्लिन स्टूडेंट सो आप उसको बस करते रहिए धीरे धीरे है न जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड यूल गेट थ्रू इट चलो आप स्टार्ट करते हैं अपन अपने पहले टॉपिक के साथ में ठीक है सो so, पहले अपन ओरिजिन की जगह विल गेट टू ट टू वॉट इज इक्विटी ठीक है सो so, देखिये अगर हम अज्यूम करें कि इक्विटी जो है वो कोई इंसान है ठीक है सॉरी अगर कॉमन लॉ जो है अगर हम ऐसा मान के चले की कॉमन लॉ जो है वो एक इंसान के दिमाग का हिस्सा कहा जा सकता है ठीक है द ब्रेन जो लॉजिक्स आप अप्लाई करते हो ना द लॉजिक्स एंड द प्री कंसीव्ड आइडिया ऑफ एनी थिंग कैन बी कॉल्ड कॉमन लॉ इसको आप क्या कह सकते हो कॉमन लॉ वेर एजर यू है Whereas, और आपको लगता है, कि यार ये correct है या इन करेक्ट है तो हम कहते हैं ना कुछ लोग अपने दिमाग से सोते हैं जो लोग अपने दिमाग से लॉजिकल एस्पेक्ट लगाते हैं ज्यादा लॉजिक्स का यूज करते हैं ठीक है जब आप दिल से सोचते हो यू नो समथिंग इज राइट और रॉन्ग दैन दैट माइट बी कॉल्ड एज इक्विटी ठीक है इक्विटी क्या है इक्विटी इज नॉट योर लॉजिक बट इट इज योर अप्रोच टू फॉर अचीविंग गुडनेस फेयरनेस एंड जस्टिस जब भी आप गुड आफ्टरनून साक्षी जब भी आप बेसिक अप्रोच क्या है लॉ ऑफ इक्विटी का लॉ ऑफ इक्विटी का बहुत ही बेसिक सा अप्रोच है कि भाई हम जो है लॉजिक्स के बियॉन्ड जाकर के ठीक है लॉजिक के बियॉन्ड जाकर के और जो लिखा है उसके बियॉन्ड जाकर के हम जस्टिस और जस्टिस और फेयरनेस को प्रिवेल करते हुए देखना चाहते हैं हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट तक आया है वो निराश ना हो या उसको जो रेमेडी मिले वो सिर्फ एक नाम मात्र की रेमिडी ना हो बल्कि उसमें जस्टिस और फेयरनेस का एसेंस भी रहे तो जब अगर

विल ऑफ जस्टिस जब भी इन कानूनों में मान लीजिए कि संविधान मान लीजिए कि आपकी किसी लॉ के अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है ठीक है और वो प्रोविजन कहीं ना कहीं जस्टिस देने में लैग कर रहा है ठीक है थोड़ा पीछे रह जा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे इक्विटी तब हम वहां पर इक्विटी को भी लेकर के आएंगे मैं एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ आप देखिए एसिड अटैक विक्टिम्स के बारे में जैसे अगर हम पढ़ते हैं ना तो जो एसिड अटैक है ठीक है जो भी व्यक्ति एसिड किसी के ऊपर फेंकता है उसके लिए एक कानून बना हुआ एक धारा बनी हुई है आईपीसी में और वो पनिशमेंट भी देती है लेकिन क्या जो पनिशमेंट उस व्यक्ति को मिल गया दैट इज अ सफिशियंट रेमेडी फॉर दी पर्सन हु सफर द लॉस जिसके चेहरे पर एसिड फेंका या जिसको उस एसिड के फेंकने से नुकसान हुआ है क्या उस व्यक्ति के लिए वो जो पनिशमेंट मिल गया मान लीजिए आपने दस साल की सजा दे दी उस बंदे को आईपीसी के अंतर्गत या लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे दिया आपने उस व्यक्ति को क्या ये सजा जो उस व्यक्ति को मिली है ये इस विक्टिम के लिए सफिशियंट है या इस व्यक्ति विक्टिम के लिए जस्ट है इसके लिए रीजनेबल है नहीं है इसीलिए हमने क्या एक और चीज इजाद करी इक्विटी जहां पर हम किसी पनिशमेंट का या किसी लॉ का जस्टिस और इक्वल उसका फेयरनेस देखते हैं ठीक है थीके? ये देखते हैं कि क्या एक्चुअल हुई या सिर्फ नाम मात्र की जस्टिस डिलीवर हुई आपने एट लार्ज सोसाइटी के लिए तो सेट कर दिया कि भाई अगर कोई ऐसे फेंकेगा तो उसको इतना पनिशमेंट हम दे देंगे लेकिन जिस व्यक्ति ने सफर किया क्या उसको सफिशियंट पनिशमेंट मिला क्या उसको सफिशियंट रेमेडी मिली नहीं मिली इसीलिए हमने इक्विटी को गुड कंसाइंस को फेयरनेस को यूज करते हुए हमने क्या बनाया विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम ठीक है बढ़िया ना विक्टिम कंपनसेशन स्कीम आप लोगों ने विक्टिम कंपनसेशन स्कीम किस लिए है वो सिर्फ इसीलिए है कि जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है जिस लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया है आपने उसके दुश्मन को सज़ा दिला दी लेकिन उसको क्या मिला उसको उस पूरे मिटिगेशन से क्या प्राप्त हुआ कुछ भी नहीं हाँ, लेकिन अगर आप विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के रूप में उस व्यक्ति उस लड़की को पैसा दिलवा देते हैं जिससे वो अपना इलाज करवा सकती है या फिर आप फ्री लीगल एड दिलवाते हैं किसी को फ्री मेडिकल एड दिलवाते हैं किसी को तो उससे क्या होगा उससे उस लड़की का भला भी हो जाएगा और इन अ रियल सेंस उसको जस्टिस मिलेगी ठीक है बिकॉज वेन शी सफर्ड फ्रॉम द इंजुरीज या बर्न इंजुरीज जो उनको हुई उसके लिए उन्होंने जो भी खर्चा पानी दिया वो उन्होंने अपने पॉकेट से दिया एंड शी वॉज सफरिंग अ लॉस जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी है ना तो इसीलिए हमारी लॉ ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि आप सजा दो दैट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग लेकिन जिसने बेचारे बेचारे को को जिस बिचारे को एक तरह से लॉस हुआ है उसके लिए भी यू शुड डू समथिंग एल्स जस्टिफाइज जस्टिफाइज द बेसिक एसेंस ऑफ लिटिगेशन फॉर हर ठीक है सो so समझ आया ये बात सबको डू यू अंडरस्टैंड दिस थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रही हूं लॉ ऑफ इक्विटी के थ्रू ठीक है बहुत सारी ऐसी थैंक था, यू साक्षी थैंक अलॉट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास में लिखी हुई है कानून में दी हुई है बट दे आर इनफिशियंट इन सर्टन वे ठीक है तो वहीं पर आपको लॉ ऑफ इक्विटी क्या करता है वहां आपको लॉ ऑफ इक्विटी इक्वालिटी प्रोवाइड करने की बात करता है देखिए अगर आप बीपीएसपी देखेंगे संविधान के अंदर तो बेसिकली वो इक्विटी ही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से ठीक है इक्विटी का मतलब ये नहीं होता कि हम दो लोगों को इक्वल स्टेटस पे ला करके कर रख दें इक्विटी का मतलब ये होता है कि हर एक अलग अलग सर्कम को आप स्टडी कीजिए एनालाइज कीजिए और समझिए कि किसके लिए क्या रिजोर्ट uh, ज्यादा बेटर होगा ठीक है क्या किसी जले कोई व्यक्ति जो जल गया है उसको फ्रीली फ्री, फ्री उसको विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम देना या फिर उसको फ्री मेडिकल एड देना ज्यादा रीजनेबल है या जिसने उसको जलाया उसको सिर्फ पनिशमेंट दे देना रीजनेबल है सोसाइटी so, के परस्पेक्टिव से देखें तो जो व्यक्ति ने गलती करी उसको सजा देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप उस पीड़ित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको इस लिटिगेशन से क्या मिला सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल सेट हो गया क्रिमिनल के लिए एग्जाम्पल सेट हो गया बट उसे जब तक कोई ऐसी सिग्निफिकेंट अमाउंट

अब अपन जो नेक्स्ट चीज है देखो कॉमन लॉ तो प्रिवेल कर रहा था कॉमन लॉ बना कैसे लंडन में किंग जुडिशियल डिसीजन देता था, uh, था। यानी कि अगर कोई मैटर आया तो किंग उसको सुनता था नहीं तो किंग के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो उन मैटर्स को सुनते थे और उसको किंग uh, के हिसाब से डिसाइड किया करते थे ठीक है इवेंचुअली दीज डिसीजंस एंड द कस्टमरी लॉ ठीक है क्या क्या चीजें डिसीजंस एंड कस्टमरी लॉ क्योंकि आपके पास में कोई पुख्ता कानून तो था नहीं बना हुआ है ना आपको अपना लॉजिक यूज करते हुए अपना प्रूडेंस यूज करते हुए ही लोगों को जस्टिस देनी थी तो हमने क्या किया जो डिसीजन आए किंग के द्वारा और वो डिसीजन किस चीज पे बेस्ट थे कस्टमरी लॉज पे बेस्ट थे यानी कि जो कस्टम्स उस कंट्री में निभाए जा रहे थे या फॉलो uh, किए जा रहे थे उनके ऊपर बेस्ड थे या तो या फिर रिलीजियस uh, कस्टम्स के ऊपर बेस्ड थे ठीक है रिलीजन के ऊपर बेस्ड थे तो इन सब चीजों को मिला करके जो भी जो भी रिजल्ट मिलता था ठीक है या जो भी जजमेंट किंग पास था वो जजमेंट आपका क्या बन गया धीरे-धीरे कॉमन लॉ बन गया ठीक है और उसी कॉमन लॉ को सप्लीमेंट करने के लिए ठीक है देखो यहाँ लिखा हुआ है द कॉमन लॉ वाज डेवलप्ड बाय जजेस थ्रू ज्यूडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंस तो जो भी प्रेसिडेंस होते थे यानी कि जज के द्वारा दिया हुआ एक जजमेंट पे एक

एक आप बोलते ना कि यार यार मेरा गिल्टी कॉन्शियस ये कहता है जग, अगर आप कभी एग्जाम में चीटिंग करके पास होंगे ना तो यू विल नो कि आपका मन जो है ना अंदर से आपका लॉजिक तो कहता है कि नहीं एजेंडा क्या था इस अटेम्प्ट में एग्जाम पास करना है कैसे भी करो बाय हुक और क्रूक बट योर हार्ट नोज इट दैट यू पास द एग्जामिनेशन बाय द वे ऑफ चीटिंग शायद अगर आपको वो चीटिंग करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होता तो आप पास नहीं होते सो दैट दैट कॉन्शियस इज बेसिकली वॉट इक्विटी ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन विद ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ अब किंग के पास में अगर हम इसको अगर देखते हुए चले तो ओरिजिन अगर हम देखेंगे तो लंदन में ओरिजिनेट हुआ इट इज ब्रिटिश सिस्टम इंग्लिश लॉ का सिस्टम है ये इंग्लिश लॉ से ओरिजिनेट हुआ है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट और द मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंग्लिश लॉ टू द फ्रेटर्निटी टू द ह्यूमन वेल ठीक है क्यों क्योंकि इसकी हमें बहुत जरूरत थी कोर्ट ऑफ चार्ल्स होते थे कोर्ट ऑफ चार्ल्स बेसिकली क्या होता था किंग होता था ठीक है और किंग को रिप्रेजेंट करते थे चैंसलर्स क्योंकि किंग एक होता था लेकिन अलग अलग जगहें होती थी बहुत सारे भाई जियोग्राफिकल जगह जो है वो तो बहुत सारी है ना और किंग एक ही है तो किंग कहाँ कहाँ जाकर के जस्टिस देगा तो इसीलिए क्या करते थे जो किंग है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चांसलर को बनाता था और ये जो चांसलर है वो अपने कॉन्शियंस को यूज करते हुए क्या करता था डिसीजन देता था क्योंकि कोई कुछ लिखा हुआ नहीं था तो कस्टमरी लॉ को उठाया और खुद का कॉन्शियंस उठाया और दोनों चीजों को मिलाकर के जो जजमेंट आपका चांसलर पास करता था ना वो इक्विटी कहलाता था तो इन्हीं चांसलर कोर्ट्स को क्या कहा गया है कोर्ट ऑफ चांसलरी कहा गया है कोर्ट ऑफ चांसलरी

में उभर करके आ गया एंड इसीलिए हमने क्या बोला कि कोर्ट ऑफ चांसलरी ने क्या दिया है हमको लॉ ऑफ इक्विटी दिया है सो बेसिकली कहां ओरिजिन हुआ है इंग्लिश लॉ में बाय द कोर्ट ऑफ चांसलरीज नेक्स्ट चलते हैं अब नीड या पर्पस क्या थी देखो बढ़िया इंग्लिश लॉ चल रहा था कस्टमरी लॉस थे रिलीजन था कोर्ट्स थे सॉरी uh, uh, आपके चर्चेस थे एड्रेस करने के लिए मैटर्स को किंग था मैटर को एड्रेस करने के लिए किंग के रिप्रेजेंटेटिव चांसलर्स थे चांसलरी कोर्ट बन चुका था तो फिर जरूरत पड़ी क्यों क्या ऐसी कमी हो गई पूरे कानून में या लीगल सिस्टम में कि आपको ये बनाना पड़ा लॉ ऑफ इक्विटी एक नई चीज इजाद करके लानी पड़ी तो देखो बहुत सिंपल सी बात हुई कॉमन लॉ ओनली प्रोवाइडेड फॉर रेमेडी और डैमेजेस एंड नॉट जस्ट रेमेड जस्ट एंड फेयर रेमेडी ठीक है कॉमन लॉ में रेमेडी लिखी हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको इतनी सजा मिलेगी ठीक है अब मान लीजिए ये किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी का रेप होते हुए देखा और वो अप, उस बच्चे लड़की के अपनी बच्ची के रेपिस्ट को का मर्डर कर देता है ठीक है अपन ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पढ़ा है मर्डर में आपके वहां पर एक्सेप्शन दिया हुआ है ना मर्डर का क्यों दिया हुआ है क्योंकि दैट इज दी जस्ट वे और फेयर वे आपको रीजन भी तो पूछना पड़ेगा ना अगले का कि, अगले के एक्शन के पीछे रीजन क्या था तो so, जब आप उससे रीजन पूछते हो उस रीजन को एनालाइज करते हो फिर अपना यूज करते हो अपना लॉजिक लगाते हो तब हम उसे क्या कहते हैं इक्विटी का इस्तेमाल करना सो so, जो कॉमन लॉ था दैट ओनली प्रोवाइडेड फॉर अ रेमिडी कि अगर आपने मर्डर किया है तो आपको इतने साल की सजा मिल जाएगी और आपको इतना फाइन देना पड़ेगा जो फाइन जाकर के कि किसको विक्टिम की फैमिली को मिल जाएगा जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उसकी फैमिली को मिल जाएगा लेकिन लॉ ऑफ इक्विटी कहता है कि आप आपको रेमेडी मिलेगी जो कि जस्ट एंड फेयर होगी अब जस्ट एंड फेयर रेमेडी कब मिलेगी जब अगर किसी लड़की ने फॉर एग्जांपल आप लोग यही देख लीजिए कि एक व्यक्ति है उसने अपनी बेटी के बेटी के उसके सामने उसकी बेटी का रेप हो रहा था तो उसने उस व्यक्ति को जो रेपिस्ट था उसके सर पे पत्थर मार के उसको मार डाला या बंदूक से चाकू से किसी भी चीज से उसको मार डाला उसकी जान ले ली अल्टीमेटली ठीक है तो अगर हम कॉमन लॉ पे जाएं तो क्योंकि मर्डर हुआ है तो उसे सीधे सजा मिलेगी उसे मान लीजिए आप उसे भी डेथ पेनल्टी मिल जाएगी और उसको फाइन देने को बोल दिया जाएगा लेकिन अगर हम इक्विटी को ध्यान में रखें या रीजनेबिलिटी को ध्यान में रखें जस्ट जस्टनेस और फेयरनेस को ध्यान में रखें तो हमें क्या समझ में में आएगा कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसे मर्डर किया जहां पर किसी भी ह्यूमन के लिए खुद को कंटेन करना मुश्किल था ठीक है उस व्यक्ति ने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मर्डर किया मजबूरी में मर्डर किया अगर नहीं करता तो उसकी बेटी के साथ में रेप कमिट हो जाता है ठीक है अगर उसने ये सब चीजें

कॉमन लॉ के तो आप क्या समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति गलत नहीं था इसके सरकम गलत थे इसके साथ में जो चीजें हुई वो गलत थी इसीलिए आप उसे क्या दे दोगे थोड़ा सा बेनिफिट दे दोगे उसको पनिशमेंट में रिडक्शन दे दोगे उसको सिर्फ फाइन भरवा दोगे ठीक है तो दैट इज वेयर जस्ट एंड फेयर रेमिडी कम्स इन टू प्लेस और क्योंकि ये नहीं था अवेलेबल तो मान लो किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया कि अपने बेटी के रेपिस्ट का तो आपने उसको उठा करके जेल में डाल दिया तो इसकी वजह से लोगों में राजा के प्रति हीन भावना आ रही थी शासन के प्रति हीन भावना आ रही थी देवर इनहेट्रेड विदीगल सिस्टम क्योंकि उनको लग रहा था कि यार जो रेमिडी मिलनी चाहिए वो रेमिडी मिल नहीं रही है आप इस बात को कंसिडर ही नहीं कर रहे आप हमारे ग्राउंड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं आप बिल्कुल एक ब्लैंक इंटरप्रिटेशन करते हुए चले जा रहे हैं ठीक है दूसरा था सिविल एक्शन कुड बी ब्रॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड रिट ठीक है एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाई जाती थी रिट और रिट के फॉर्म में आप क्या करते थे लीगल एक्शन या सिविल एक्शन इनवोक करते थे ठीक है तो अब रिट में आपको बेसिकली करना क्या होता था रिट के अंदर आपको लिखनी पड़ती थी कि किस लीगल बेसिस पे आप कोर्ट के सामने आ रहे हो अगर आज मुझे एक मर्डर का केस फाइल करना है तो मैं आ, जो आपका सेक्शन 302 है वहां पर पनिशमेंट लिखा हुआ है ठीक है सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी uh, 300 सी ये वो दुनिया भर का मैं सब चीजें लगा दूंगी 120 ट्वेंटी बी कॉन्स्पिरसी वगैरह सब कुछ लगाते हुए मैं कह दूंगी कि मैं इन प्रोविजन के अंतर्गत आपका क्या मांगने आई हूँ रिलीफ मांगने के लिए आई हूँ कोर्ट के सामने लेकिन अगर आप अगर मान लीजिए कि उस मर्डर अंडर की धारा के अंदर जो आज एक्सेप्शन दिए हुए हैं वो एक्सेप्शन ही नहीं दिए होते तो आप किस बेसिस पे डिमांड करते रेमेडी ठीक है आपके पास कोई बेसिस तो नहीं होता कुछ लिखित कानून तो नहीं होता तो कॉमन लॉ में सिविल एक्शन लाने के लिए क्या जरूरत था कि आप रीजन बताएं आप लीगल बेसिस बताएं कि किन लीगल ग्राउंड के ऊपर आप आ रहे हैं ठीक है कोर्ट के पास में अगर आप वो लीगल ग्राउंड नहीं बता पाते थे तो क्या होता था आपका एक्शन जो है या आपका जो लिटिगेशन है वो तुरंत ही फेल हो जाता था वो एप इनिशियो आते ही क्या होता था फेल हो जाता था इसीलिए हमने हमें क्या जरूरत पड़ी कि नहीं यार ऐसा नहीं कर पाएंगे हम हमको जरूरत है कि कहीं पर इंसान दूसरे इंसान की परिस्थिति समझे और भले ही कानून इसके बारे में ना कह रहा हो बट हम अपने लॉजिक को अपने प्रूडेंस को अपना इमोशनल क्वेश्चन को सब चीजों को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर इस इंसान को रिजॉर्ट प्रोवाइड करें या रिड्रेस प्रोवाइड करें ठीक है तो दो रीजन थे एक तो था कि सिर्फ रेमेडी या डैमेजेस मिलते थे जस्ट और फेयर रेमेडी नहीं मिलती थी दूसरा था कि आपको लीगल बेसिस बताना करना पड़ता था सिविल एक्शन लेने के लिए वेर एज इक्विटी अगर आप कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जो कि इक्विटी या फेयरनेस बोल के बारे में बात करती है तो हर बार उसके लिए कोई लीगल प्रोविजन ऐसा जरूरी नहीं था अब अपन आते हैं डेवलपमेंट पे कि बेसिकली ये डेवलपमेंट हुआ कैसे ये कानून कैसे बना देखिए इनिशियली इट वॉज कॉल्ड दैचवर्क ऑफ जो हमारा कानून था दैट वॉज जो एक हजार छाछठ में ठीक है वन ओ डबल सिक्स में इन सालों में जो हम कानून बेसिकली फॉलो कर रहे थे इट वॉज बेसिकली दी पैचवर्क ऑफ ट्राइबल कस्टम्स ठीक है पैचवर्क ऑफ ट्राइबल कस्टम्स क्या था कि जो भी सिविलाइज सोसाइटी अनसिविलाइज सोसाइटी थी उसमें जो भी कस्टम्स थे ठीक है उन कस्टम्स को साथ में जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के पैचवर्क करके पैचवर्क मतलब दो हिस्से यहाँ लगा दिए दो हिस्से लगा लगाए कुछ पैचेस में जोड़ लिया ठीक है सो इट वॉज बेसिकली आपका लॉ क्या था इट वॉज अ पैचवर्क ऑफ ट्राइबल कस्टम्स आपने कुछ ट्राइबल कस्टम्स को उठाया और उनको ट्राइबल क्यों बोल रहा है क्योंकि रॉ है अभी तक सिविलाइजेशन तक हम नहीं पहुंचे उस तरह उस तरीके से ठीक है तो आपके जिस ट्राइबल कस्टम्स थे उनको सबको एड करके पैच उनका उनको सबको एक साथ पैच करके हम क्या करते थे जस्टिस वगैरह डिलीवर करते थे इवेंचुअली जो नॉर्मल थे उनको लगा कि एक कॉमन लीगल सिस्टम आना चाहिए एक सेंट्रलाइज लीगल सिस्टम आना चाहिए तो उन्होंने सेंट्रलाइज लीगल सिस्टम की तरफ अपना एक अप्रोच दिखाया और कहा कि यार जो हम कॉमन लॉ बनाना चाह रहे हैं इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन कस्टम्स लोकल कस्टम्स पे बेस्ड नहीं होना चाहिए क्यों ऐसा कहा लोकल कस्टम्स पे बेस नहीं होना चाहिए क्योंकि लोकल कस्टम्स हर एक अलग अलग जगह पे बदलते हैं ठीक है थीके? आज आप मान लीजिए भोपाल में कोई कस्टम अलग, अलग हो लोकल कस्टम अलग होगा ग्वालियर चले जाएंगे तो लोकल कस्टम अलग हो जाएगा बुंदेलखंड तरफ जाए

सिस्टम स्टेब्लिश कर दिया सेंट्रलाइज लीगल सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया इसको so, यहां लिख देती हूँ सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज लीगल सिस्टम अब इस सेंट्रलाइज लीगल सिस्टम को जब इन्होंने एस्टेब्लिश किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि चाहे आप कितने भी अलग ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हो आपकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अगर है भी तो भी लॉ आपके ऊपर यूनिफॉर्म ही एप्लीकेबल था यानी कि अगर भोपाल में एक कानून चल रहा है तो वही ग्वालियर और बुंदेलखंड और चंबल बेल्ट सब जगह वही चल रहा है ठीक है अब इसके चलते प्रॉब्लम क्या हुई कि किंग जो है वो एक जगह रह सकता था हर जगह जा नहीं सकता था तो किंग ने अपना कॉन्शियंस किसको बना दिया चांसलर को किंग ने एक पोस्ट बनाई दैट इज कॉल्ड चांसलर और चांसलर को कह दिया कि आप जाइए मेरे यहाँ पर आप यहाँ पर डिसीजन लीजिए आप इन मैटर्स को अड्रेस कीजिए ठीक है सो चांसलर बेसिकली बिकेम कॉन्शियंस ऑफ

किंग के कुछ कंसर्न्स थे कुछ मैटर्स थे जो किंग uh, आप खुद डायरेक्टली उनको हैंडल करना चाहता था ठीक है वो मैटर्स बेसिकली क्या थे मर्डर हो गया केसेस ऑफ मर्डर ट्रीसन ट्रीसन क्या है देशद्रोह ठीक है केसेस ऑफ मर्डर ट्रीसन और वेर देवर अनजस्ट जजमेंट्स या डिफॉल्ट इन जस्टिस अनजस्ट जजमेंट्स और चौथा था डिफॉल्ट इन जस्टिस तो अब हुआ क्या कि जब इन मैटर्स को डिसाइड किया जाता था तो ये जो दो लास्ट की चीजें थी ना अनजस्ट जजमेंट्स और डिफॉल्ट इन जस्टिस जब भी किंग इन चीजों को देखता था तो उसको लगता था कि नहीं यार ये जो कॉमन लॉ है ये जो कस्टमरी लॉ है दिस इज इनसफिशिएंट ये सफिशिएंट नहीं है और इन्हीं दो की वजह से दीज टू बिकेम सीड ये बेसिकली सीड की तरह काम किए आपके लॉ ऑफ इक्विटी के एवोल्यूशन में ठीक है लॉ ऑफ इक्विटी कहां से पैदा हुआ तो इन दो रीजन की वजह से मेजरली पैदा हुआ जब भी किंग को लगता था कि अरे यार जो जजमेंट दिया है ना वो जस्ट मतलब वो जजमेंट ठीक है कानून के हिसाब से एकदम ठीक है लेकिन वो जजमेंट जस्ट नहीं लग रहा है ठीक है वो जजमेंट फेयर नहीं लग रहा है तो किंग uh, जब अपना फिर प्रूडेंस लगाता था या चांसलर अपना, अपना, uh, uh, अपना, तो अपना, अपना था उसको हमने क्या बना दिया इक्विटी बना दिया और वो इक्विटी के तौर पर क्या हो गया इवॉल्व हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने सुना है, है ना? क्या है बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ इक्विटी ओनली ठीक है सो इसी के थ्रू क्या हुआ कंप्लेन्स विच आर एंड अदर कंसर्न वाज़ द कंप्लेन्स विच आर आउट ऑफ द ऑफ़ कॉमन लॉ ठीक है उनके लिए रिलीफ भी अवेलेबल नहीं था अब जज ने क्या देखा कि यार एक तो ये चीजें एड्रेस नहीं हो पा रही क्यों एड्रेस नहीं हो पा रही क्योंकि जो कंप्लेन थी वो आउट ऑफ द एमबिट ऑफ कॉमन लॉ थी कॉमन लॉ के अंदर उसके लिए कोई रिजॉर्ट uh, दिया हुआ ही नहीं है तो इन चीजों की वजह से अल्टीमेटली आपका लॉ ऑफ इक्विटी जो है डेवलप हो गया क्यों क्योंकि किंग कि कि को दिखता तो था और किंग के पास सोल पावर थी ठीक है और किंग के पास जब सोल पावर थी तो किंग कि वही पावर जो है वो उतनी ही ज्यादा पावर किंग से तो कम थी लेकिन उतनी ही वाइड पावर चांसलर को भी मिल गई और चांसलर जो कि कोर्ट ऑफ चांसलरी में बैठते थे उन्होंने क्या करना शुरू किया कि ऐसे मसलों पर जहां उन्हें लगता था कि यार जस्ट जो जस्टिस है वो उतनी उ, आ, उतना फेयरली नहीं मिली है सामने वाले व्यक्ति को जितनी मिलनी चाहिए थी या फिर हैज अ डिफॉल्ट इन प्रोवाइडिंग जस्टिस या जो जजमेंट आया है वो थोड़ा सा अनजस्ट है अनफेयर है विक्टिम के पार्ट पे या फिर जो भी व्यक्ति के अगेंस्ट जजमेंट आया उसके पार्ट पे तो उन लोगों ने अपने लॉजिक्स वहां पर अप्लाई करना शुरू कर दिया ठीक है जैसे नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल uh, है ऑडी ऑडियल पार्टम दैट इज वन हैज अ राइट टू बी हर्ड आपको दूसरी पार्टी को भी सुनना यानी कि आपको दो, दोनों पार्टी uh, को सुनना है तो उस ट्रीसन का मतलब देशद्रोह होता है साक्षी तो अगर आपको दोनों पार्टीज को सुनना है तो ये कहां से इवॉल्व हुआ ये यहीं से इवॉल्व हुआ कि नहीं हम देखो सिर्फ एक इंसान को सुन करके आप भले ही विकट दिख रहा है कि यहाँ एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी है लेकिन जिसने उस डेड बॉडी को इस अंजाम तक लाया है उसकी भी तो बात सुननी पड़ेगी ना आपको उससे भी तो पूछना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया या उसके ऐसा करने के पीछे क्या रीजन थे तो दैट इज हाउ बेसिकली इक्विटी इवोल्व जब भी कोर्ट को लगा कि यार कॉमन लॉ सफिशेंट जस्टिस प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहा है या कॉमन लॉ में कोई एक्शन ही अवेलेबल नहीं है इस तरह के ऑफेंस के लिए

इक्विटी फॉलोज दी लॉ क्या कह रहा है इक्विटी फॉलोज दी लॉज विच मीन्स जिसके लिए एक लैटिन मैग्जी और दी हुई है एक्विटास सेक्विटर लीगम एक्विटास सेक्विटर लीगम इसका अर्थ क्या होता है इट मीन्स इक्विटी विल नॉट अलाउ अ रेमिडी दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ यानी कि अगर आप टेक्निकली देखो तो इट इज इक्विटी इज नॉट अपोज टू लॉ इट इज बेसिकली सप्लीमेंट टू लॉ किस तरह से काम करती है इक्विटी इक्विटी लॉ के साथ साथ सप्लीमेंट की तरह चलती है इट इज द थर्ड व्हील आप इसको थर्ड व्हील कह सकते हो आपके लीगल सिस्टम का क्योंकि ये बेसिकली लीगल सिस्टम को या कॉमन लॉ को एक तरह से क्या प्रोवाइड करेगी एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जहां भी वेर एवर यू फॉल शॉर्ट ऑफ समथिंग आई विल प्रोवाइड इट फॉर यू ठीक है जैसे एक होता है ना कि एक किताब देती आपको आप उस किताब के अलावा आपको मान लीजिए सिलेबस दे दिया है उस सिलेबस को पढ़ना कैसे है कवर कैसे करना है ये आपको अपनी प्रूडेंस से करना है तो जो सिलेबस है वो तो आपका लॉ हो गया लेकिन जो प्रूडेंस आप यूज कर रहे हो ना दैट इज बेसिकली द सप्लीमेंट विच इज रिक्वायर्ड एंड कॉल्ड इक्विटी सो मैक्सिम क्या है एक्विटास सेक्विटर लीगम एंड इट सप्लीमेंट्स द कॉमन लॉ सिस्टम एंड डज नॉट सुपरसीड इट यानी कि जो आपकी इक्विटी है लॉ ऑफ इक्विटी है वो हमेशा किसको फॉलो करेगा आपके कॉमन लॉ को फॉलो करेगा कभी भी कॉमन लॉ के कॉन्ट्ररी नहीं होगा ठीक है उसका उद्देश्य कॉमन लॉ को बाइपास करना नहीं है बल्कि कॉमन लॉ के साथ साथ चलना है या जहां पर कॉमन लॉ किसी चीज में कमी दिख रही है कॉमन लॉ में तो उस कमी को पूरा करना है ठीक है उस कमी पेशी को पूरा करना आपके इक्विटी का काम है सो इट इज ऑलवेज सप्लीमेंटल क्या है सप्लीमेंटल है इट इज इट एक्ट एज अ सप्लीमेंट

ठीक है लॉ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आई है आपका इक्विटी का कॉन्सेप्ट बल्कि वो किस लिए आए? कि आप फुलफिल कर पाओ जहां पे जस्टिस इज फॉलिंग जहां पर लॉ इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ जस्टिस वहां पर उसको फुलफिल कर देना क्या काम किसका काम है इक्विटी का काम है गुड आफ्टरनून ब्रिजेश चलिए अब इसी में एक केस आया डेडली वर्सेस डेडली का इट 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 इन दिस केस सेड दैट आल्सो लॉ डिफेक्टिव एंड वीक यानी कि कहीं पर भी किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर लॉ डिफेक्टिव है या लॉ वीक है उन जगहों पर भी लॉ ऑफ इक्विटी क्या करता है लॉ को सप्लीमेंट करता है ठीक है मतलब अगर कोई कानून जो है वो जब बना था तब वो अपनी इन इट्स वेरी फॉर्म जो uh, जिस फॉर्म में वो कंस्टिट्यूट हुआ उस फॉर्मेशन में ही वो इनसफिशियंट है या डेफिशियंट है या फिर आपका डिफेक्टिव है कमजोर है तो उन लॉज को भी क्या करता है इक्विटी uh, सपोर्ट करने के लिए आता है ये इस पर्टिकुलर केस डेडली वर्सली में कहा एंड इट सेड कि इट डज नॉट डिस्ट्रॉय दी कॉमन लॉ इट ओनली असिस्ट इट ठीक है क्या काम है असिस्टेंस की एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिस्ट्रॉय करना या बाईपास करना काम है ही नहीं इक्विटी का फिर इसके बाद में अगर हम मॉडर्न डे इंग्लैंड का अप्रोच इंग्लैंड और वेल का अप्रोच अप्रोच देखें तो वहां पर टेक्निकली क्या बोला है अभी तक क्या लिखा हुआ था इक्विटी फॉलोज दी लॉ बट इंग्लैंड एंड वेल का, का प्रेजेंट अगर आप अप्रोच देखोगे तो वो क्या कहता है क्विटी की इक्विटी क्या है इक्विटी फॉरमोस्ट है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इक्विटी विल प्रिवेल एंड लॉ जो है वो उसको फॉलो करे यानी कि आप जब कानून ही बना रहे हो तो आप इक्विटी को ध्यान में रखते हुए बनाओ ठीक है ये बात आपको कहां, कह कहां पर है? क्या पैटर्न है ये आपके मॉडर्न इंग्लैंड और मॉडर्न वेल का पैटर्न है सेक्शन फोर्टी नाइन क्लॉज वन ऑफ सीनियर कोच एक्ट नाइनटीन एटी वन ऑल्सो सेज दट इक्विटी शैल प्रिवेल इक्विटी शैल प्रिवेल ठीक है इक्विटी हमेशा प्रिवेल करेगी ओवर द रूल ऑफ लॉ ओवर द रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ क्योंकि रूल ऑफ लॉ तो एक पत्थर की लकीर की तरह है कि कानून में लिख गया है तो लिख गया है लेकिन अगर आप उसको उसको इंटरप्रेट करने में प्रूडेंस यूज नहीं कर पाओगे कॉन्शियस यूज नहीं कर पाओगे तो क्या होगा इट विल ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ जस्टिस इसीलिए या फिर वो क्या होगा लोगों के द्वारा हमेशा एक्सेप्टेबल नहीं होगा लोगों की जो विश्वास है वो उठ जाएगा लीगल सिस्टम में से इसीलिए क्या कहता है आपका सीनियर कोर्ट आट इक्विटी शुड प्रिवेल ओवर दी अदर ओवर द रूल ऑफ लॉ चलो नेक्स्ट uh, अपने मैगजीन पे आते हैं जो अगली मैगजीन है इट से इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमिडी ठीक है अब एक हमने मैगजीन पढ़ी हुई है लॉ ऑफ टॉट्स में लास्ट सेशन में भी पढ़ी थी यू बी जस्ट आई बी रेमेडियम जिसका मतलब क्या होता है बेसिकली क्या मतलब होता है मुझे फटाफट -फ़ड़ से बताइए चैट के अंदर बी जस्ट आई बी रेमेडियम का अर्थ क्या होता है दिस मैक्सिम इन वेज कि अगर आप कोई अधिकार चाहते हैं अगर आप कोई रेमेडी चाहते हैं तो देयर शुड बी अ राइट ऑल्सो फॉर दैट ठीक है वॉन्ट ऑफ राइट एंड वॉन्ट ऑफ रेमेडी आर रेसिप्रोकल अगर वॉन्ट ऑफ राइट है तो ही वॉन्ट ऑफ रेमेडी अगर वॉन्ट ऑफ रेमेडी है तो देयर शुड बी अ राइट ऑल्सो राइट और रेमेडी दोनों साथ में को एग्जिस्ट करेंगे बिना राइट के रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करेगी ठीक है एच बी वर्सेज बिल्कुल द करेक्ट आंसर रेमेडी ठीक है जहां भी अगर आपका अधिकार है कोई तो वहां पर रेमेडी होगी जिसको हम इसका एक, एक, दूसरा ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन भी क्या निकाल सकते हैं कि अगर कोई लीगल राइट right नहीं है वहां पर तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी भले ही आपने कोई डैमेजेस फेस भी किए जिसके लिए अपन ने केसेस भी पड़े थे लॉ ऑफ टॉट्स में अब एक ऐसा ही केस है एच बी वर्सेज वाइट का एच बी वर्सेज वाइट केस में हुआ क्या था बेसिकली एक व्यक्ति था जो वो वॉज अ क्वालिफाइड वोटर यानी कि वोटर होने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन थाड दैट जैसे कि मान लो अगर इंडिया में अगर आपको वोट देना है तो आप, आपके आपके क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए सफरेज यू शुड बी भी मेजर यू शुड बी भी अबीन ईयर्स एंड यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और जो भी डिस्कवालिफिकेशन है लॉ के अंतर्गत वो डिसक्वालीफिकेशन नहीं होने चाहिए ठीक है तो अगर आपके पास में ये सारे क्वालिफिकेशन है तो यू कैन वोट तो इसी तरह से आज भी वो वाइट के, के केस में एक व्यक्ति था जो कि एक क्वालिफाइड वोटर था लेकिन उसे वोट डालने के लिए जाने नहीं दिया तो इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या अपील किया कि भाई इंजुरी तो देखो नहीं हुई है कुछ भी ठीक है इस व्यक्ति को कोई डैमेज नहीं हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति को ये वोट डालने जा रहा था वो व्यक्ति जीत गया ठीक है ये अगर मान लो हार भी जाता तो वो 1500 की मार्जिन से हार गया आपके एक वोट से क्या डिफरेंस बनता बट इंजुरी हुई है क्यों इंजुरी हुई है क्योंकि उसका अधिकार था कि वो वोट डाले वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करके आए ठीक है उसका परिणाम क्या होगा निष्कर्ष क्या निकलेगा वो आपका आ, अकाउंट है ही नहीं देखें आप उस चीज को उस चीज को एड्रेस करें आपको सिर्फ अगर किसी व्यक्ति को कोई राइट दिया था तो आपको उसको अलाउ करना चाहिए कि वो अपने राइट को प्रैक्टिस कर पाए विच यू डिस अलाउड इन अ वे तो जब आपने उस व्यक्ति को डिसअलाउ कर दिया कि वो जाकर के अपना वोट डाल करके आए तो आप क्या करेंगे आपने उसका लीगल राइट एनक्रोच किया है और इस लीगल राइट को इंजुरी पहुंची है डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन इंजुरी तो पहुंची है लीगल राइट को तो अगर लीगल राइट को इंजुरी पहुंची है तो आपको रेमेडी भी देनी पड़ेगी ठीक है एंड यस uh, yes, बिल्कुल अब वैसे ही एक लोचेस्टर ग्रामर स्कूल था जहां पर कोर्ट ने क्या कहा कि देखो आपका कोई लीगल अधिकार नहीं है कि आपके बगल में एक स्कूल ऐसा ना खुल पाए जो कि आप ही के फील्ड में कम्पीट कर रहा हो ठीक है लेकिन आपको नुकसान हुआ है हम मानते हैं आपके पर जो जो एडमिशन थे वो एडमिशन कम हो गए कम हो गए आपको फाइनेंशियल बहुत लॉस हुआ लेकिन आपका कोई लीगल राइट नहीं था यहाँ पर ठीक है अगर मैं आज एक इंस्टीट्यूट खोल करके बैठी हूं तो मेरा ये लीगल राइट नहीं है ना कि मैं दूसरा इंस्टीट्यूट ना खुलने दू तो उसी तरह से ग्लस्टर ग्रामर स्कूल में यही कहा गया था कि अगर आप आपको डैमेज हुआ है हम देख

क्या कहता है बेसिकली ये आपका मैग्जिम कि कोई भी ऐसा गलत नहीं होना चाहिए ऐसा रॉन्ग नहीं होना चाहिए जो अन अड्रेस चला जाए या अन रिड्रेस चला जाए यानी कि ऐसा कोई गलत ऐसा कोई ऑफेंस uh, नहीं होना चाहिए जिसके विक्टिम को रीड्रेसल ना मिले अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसके विक्टिम को रीड्रेसल मिलना चाहिए ठीक है अब उसके तीन लिमिटेशन देर आर लिमिटेशन टू इट पहला है कि जो गलती हुई ना वो सिर्फ एक मॉरल राइट right था समथिंग दैट यू डिड नॉट डू और समथिंग दैट यू शुड हैव डन बट यू डिड इट अदरवाइज और कॉन्ट्रव्यूट किया आपने वो सिर्फ एक मॉरल राइट right था या मॉरल मॉरलिट्यूड uh, 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 था अब आप देखो कि जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक बच्चा डूब रहा है आप बच्चे को देख रहे हैं बट आप उसे बचाने नहीं जा रहे यू नो you know कि शायद आपकी विस्टी में आप उसे बचा लो बट आप बचाने नहीं जा रहे हो आपको स्विमिंग आता है तो भी आप बचाने नहीं जा रहे हो ठीक है तो ये क्या है ये मॉरल रॉन्ग है एक तरह से तो इसके लिए आपको रेमेडी नहीं मिलेगी यहाँ पर क्योंकि आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था ठीक है फिर है आपका राइट एंड रेमेडी आर बोथ इन जूरिस्डिक्शन ऑफ कॉमन लॉ अगर राइट right और रेमेडी दोनों किसके एम्बिट में है किसके जुरिस्टिक्शन में कॉमन लॉ के लिए यानी कि राइट right और रेमेडी दोनों कॉमन लॉ एड्रेस कर रहा है कॉमन लॉ बता रहा है कि ये राइट right है और इस राइट right के लिए आपको ये रेमेडी मिलेगी तो फिर लॉ ऑफ इक्विटी के अंतर्गत आप रेमेडी नहीं मांग सकते हैं ठीक है लॉ ऑफ इक्विटी आपको इसके लिए रेमेडी नहीं देगा फिर तीसरा है ईदर पार्टीज पार्टीज डिस्ट्रॉयड द एविडेंस अगर दो हैं और उनमें से कोई भी एक पार्टी अपने बेनिफिट के लिए जो कोई ऐसा एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देती थी जो कि उनके खुद के लिए बेनिफिशियल था तो इन दैट केस ऑल्सो आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी इस मैक्सिम को आप यूज नहीं कर पाएंगे या फिर आप इक्विटी का सहारा नहीं ले पाएंगे ठीक है ये तीन लिमिटेशन है इस पर्टिकुलर

मस्ट डू इक्विटी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप इक्विटी सीख कर रहे हो अगर आप इक्वलिटी डिमांड कर रहे हो तो यू मस्ट ऑल्सो प्रैक्टिस इट प्रैक्टिस इट ठीक है प्रैक्टिस करो हम कहते हैं ना यू मस्ट प्रीच वॉट यू यू मस्ट प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन आप उसके लिए खुद प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करते हो तो दिस इज वॉट दिस इज एक्जैक्टली वॉट दिस मैगजीन सेज आप जो भी बंदा मैगजीन जो भी बंदा इक्विटी सीख करने जा रहा है वो खुद भी इक्विटी को समझे और इक्विटी प्रोवाइड करे ठीक है इट्स इट द मैग्म कंसर्न्स द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द प्लेन ठीक है फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द प्लेन को एड्रेस करना चाहता है इट मीन्स दैट वन आस्किंग फॉर इक्विटी दैट इज अंटिव

दीजिएगा 31 तारीख तक और साथ में एडवांस दीजिएगा या सिक्योरिटी मनी दीजिएगा 31 तारीख तक आपने वो मुझे नहीं दिया तो इसीलिए जब आप इक्विटी सी कर रहे हैं तो पहले आपको खुद भी इक्विटी करनी पड़ेगी अगर आपने कहीं पर कोई गलती करी है कोई नेगलिजेंस दिखाया है कहीं पर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो सामने वाले को इक्विटी देता तो आप क्या करेंगे आप इक्विटी मांगने के लायक नहीं रहेंगे ठीक है uh, एक केस था लॉज वर्सेस नेशनल यूनियन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड इसमें क्या होता है एक ये जो लॉज uh, है ये कहीं से एक अनरजिस्टर्ड कंपनी अनरजिस्टर्ड फाइनेंसर से कुछ uh, पैसा ले लेता है ठीक है अब uh, फ, बाद में फिर वो जाता है कोर्ट के पास में कि जो अनरजिस्टर्ड फाइनेंसर्स uh, थे उनसे अपना सिक्योरिटी छुड़ा सके तो कोर्ट कहता है कि नहीं देखो आपने भी इक्विटी करी नहीं अपनी जगह पर ठीक है यू ऑल्सो डिड नॉट डू द इक्विटी सो यू के नॉट आस्क इट जब तक आप खुद इक्विटी नहीं करोगे आपने जब तक आप पैसा वापस नहीं करते जो आपने पैसा लिया है तब तक आपको आपका सिक्योरिटी वापस नहीं मिलेगा ठीक है मान लो उसने कुछ मॉर्गेज करके दिया पैसा उठाया होता मार्केट से ठीक है और वो एक अनरजिस्टर्ड लेंडर था तो आपने क्या किया आपने उस अनरजिस्टर्ड लेंडर के होने का फायदा उठाया आप कोर्ट के पास गए और आपने कोर्ट से कहा कि भाई ये अनरजिस्टर्ड लेंडर है आप मुझे इससे मेरी सिक्योरिटी छुड़ा के दीजिए तो कोर्ट आपसे कहेगा कि भैया जो तुमने पैसा लिया है पहले वो पैसा लौटाओ पहले खुद इक्विटी करो उसके बाद में इक्विटी हमसे डिमांड करो ठीक है फिर आपको क्या मिलेगा आपकी सिक्योरिटी मिलेगी ठीक है चलो फिर उसके बाद में द, आ, अगर हम देखें टेक्निकली दिस इज एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग लीगल प्रोविजन ऑल्सो क्या है प्रोविजन लीगल प्रोविजन आपके सेक्शन नाइनटीन ए ऑफ अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे तो वहां पर आपको इस मैक्सिम का एसेंस देखने को मिलेगा ठीक है क्या कहता है क्या कह रहा है बेसिकली कि अगर आप मतलब मान लो मैं प्लेटिव हूं मैंने किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट

कि अगर आपने दो बेनिफिट्स में से कोई एक बेनिफिट इलेक्ट कर लिया है तो जो दूसरा बेनिफिट था वो रिटर्न कर दो आप ठीक है जैसे उसमें एक हमेशा एग्जाम्पल आता है ना कि बच्चा जो है बच्चा क्या करता है अपने फादर की प्रॉपर्टी बेच देता है और फादर जो है वो प्रॉपर्टी भी रिटेन करना चाहते हैं और पैसा जो म, मिला प्रॉपर्टी बिकने के बाद वो भी रिटेन करना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर सकते आपको दोनों में से कोई एक चीज जो है वो रिटर्न करनी पड़ेगी या तो आप पैसा रिटर्न कर दो कि नहीं भाई मुझे मेरा मकान नहीं बेचना है आप रखो अपना पैसा वापस ठीक है या तो आप प्रॉपर्टी रिटेन और प्रॉपर्टी रिटेन कर लो या फिर अगर आपने पैसा रिटेन कर लिया है तो फिर आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी ठीक है डॉक्टर ऑफ इलेक्शन समझते हैं ना अपन तो वही

सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि दोनों लोग दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे से पैसा क्लेम करते हैं ठीक है दोनों ने एक दूसरे को कुछ उधार दिया था तो क्या कहता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेट uh, ऑफ कि आप जो दोनों का अमाउंट है मान लो मुझे किसी को पंद्रह सौ रुपए देने और सामने वाले इंसान को मुझे तीन तो हजार तो किस -किस पैसा मांग रहे हो सामने वाले से तो आप पहले इक्विटी कर दो ना आप उसका पैसा उसको लौटा दो फिर वो आपका पैसा आपको लौटा देगा तो इस तरह से क्या है ये वाले प्रिंसिपल इन तीन लॉस पर भी क्या है एप्लीकेबल है चलो अब अगले पे चलते हैं अपन नेक्स्ट पे नेक्स्ट मैगजीन पे अगली मैगजीन जो है आपकी फोर्थ इट सेज ही कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स जो भी इक्विटी के पास आ रहा है इक्विटी मांगने आ रहा है ही शुड कम विद क्लीन हैंड्स बेसिकली इट रिलेट्स टू द पास्ट कंडक्ट ऑफ सम पर्सन ठीक है किसी आपने पिछला वाला जो मैग्जिम था वो फ्यूचर कंडक्ट की बात करता था फ्यूचर कंडक्ट को क्या करने की बात करता था फ्यूचर बिहेवियर को कंट्रोल करने की बात करता था यह पास्ट कंडक्ट पर सर्वेलेंस रखता है ठीक है दिस मैग्जिम रिलेट्स द पास्ट कंडक्ट ऑफ पार्टीज एंड स्टेट दर्सन हू कम्स टू टू द कोर्ट सीकिंग इक्विटी

जो उसका पास्ट अनइक्विटेबल एक्ट था पास्ट अन इक्विटेबल इक्विटेबल एक्ट एंड रिलीफ ही इज आस्किंग जो रिलीफ वो मांग रहा है उसमें और जो अनइक्विटेबल एक्ट उसने किया है उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए नेक्सेस होना चाहिए कोई रिलेशन होना चाहिए ऐसा नहीं है कि अगला रिलीफ मर्डर के लिए मांग रहा है आप चोरी का हवाला दे रहे हैं ठीक है तो वो नहीं होना चाहिए या आप कह रहे हैं कि आप कोई व्यक्ति कह रहा है कि इस व्यक्ति ने एग्जाम में चीट किया है और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इसने रिलेशनशिप में चीट किया तो ऐसा नेक्सेस नहीं होना चाहिए देर शुड बी अ नेक्सेस बिटवीन वॉट द रिलीफ दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर एंड वॉट अन इक्विटेबल एक्ट नेक्सेस नहीं है, तो फिर आप उसको नहीं कर आप उसको इक्वेट uh, नहीं कर सकते हो ठीक है या उस चीज का डिफेंस नहीं ले सकते हो दिस प्रिंसिपल अपहेल्ड इन द केस ऑफ डी सी बिल्डर्स लिमिटेड डी एंड सी बिल्डर्स लिमिटेड केस का नाम क्या है डी एंड सी बिल्डर्स लिमिटेड इस पर्टिकुलर केस के अंदर वर्सेस रीस वर्सेस रीस

ऑफ योर फाइनेंशियल पावर आपके पास में पैसा ज्यादा था आप इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग थे और आपने देखा सामने वाला व्यक्ति जो है उसका हार्ड टाइम चल रहा है उसके पास पैसे की कमी है तो आपने क्या किया आपने एक डील क्रैक कर ली जो कि बहुत कम अमाउंट में थी मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर किसी आ, आ, जैसे मूवीज अपन कई बार देखते हैं ना कि कोई अपने जेवर बहुत कम पैसे के लिए गिरवी रख करके चला जाता है क्यों गिरवी रख करके चला जाता है क्योंकि उसके घर में कोई बहुत मेडिकल इमरजेंसी हो गई ठीक है किसी का ऑपरेशन हो रहा है कोई मरने वाला है तो वो बहुत कम अमाउंट के लिए अपना जेवर जो है गिरवी रख करके चला गया और फिर बाद में वही साहूकार या वही ज्वे, ज्वे, ज्वेलर जो है कोर्ट के पास गया कि सर आप इससे कहिए कि ये जो है इसने प्रोमिस किया था मुझे कि ये मुझे ये सब चीजें डिलीवर करेगा तो अब ये मुझे डिलीवर नहीं करत तो कोर्ट क्या कह सकता है कि भाई नहीं आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपके खुद के हाथ तो साफ नहीं है आपने क्या किया बेसिकली आपने खुद तो इक्विटेबल हरकत करी नहीं है आपने खुद तो इक्विटी को अपनाया नहीं है आपने उस व्यक्ति की फाइनेंशियल परिस्थिति को देखते हुए ये देखते हुए कि उसका दिन खराब चल रहे हैं आपने उस अपने पैसे का गलत फायदा उठाया ठीक है और आपने अपने पावर पोजीशन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का गलत फायदा उठाते हुए क्या किया उसको कम अमाउंट पे सेटल कर दिया ठीक है उसकी मजबूरी का फायदा उठाया आपने सो so बेसिकली जब भी आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो आप इक्विटेबल असिस्टेंस uh, नहीं मान सकते कोर्ट के पास जाकर के या आप इक्विटी डिमांड नहीं कर सकते हो यही चीज इस पर्टिकुलर केस में अपहेल्ड हुई कि अगर आप प्रोमिसरी एस्टॉपल एनफोर्स कराना चाहते हो तो पहले आप ये तो प्रूव करो कि आपने जो हरकत करी थी इसके पहले वो आपने बिना अपना पैसे का इन्फ्लुएंस दिखाई करे ठीक थी, है तो कोर्ट ने यहाँ पर मना कर दिया क्लेम देने से प्रोमिसरी एस्टॉपल का कहा कि देखो तुमने जो है पहले ही अनफेयर एडवांटेज लिया था इस बंदे से ठीक है और कम पैसे के लिए उसका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत पुअर था तो तुमने उसको कम पैसे पे सेटल कर दिया था तो अब आपको प्रोमिसरी एस्टॉपल जो है आप नहीं वो करवा पा, कर पाएंगे प्रिवेल करवा पाएंगे ठीक है दिस प्रिंसिपल वाज इज आल्सो अडॉप्टेड इन सेक्शन 17 18 एंड 20 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट व्हिच सेज सेंटीन एंड ट्वेंटीफिकलीफ क्या कहते है? कि अगर जो है वो खुद कोई ऐसी रिलीफ uh, uh, तो uh, uh, नहीं मिलेगा ठीक है अब आते हैं अपने अगले मैग्जी के ऊपर विच इज डिले दिट इक्विटी अगली मैगजीन अपने क्या है फिफ्थ मैग्जिम है डिले डिफीट इक्विटी डिले डिफीट इक्विटी नाम से ही हमको समझ में आ रहा है ठीक है और किस चीज के ऊपर बेस्ड है एक लीगल मैगजिम के ऊपर बेस्ड है क्या लीगल मैग्जिम है इट सेज विजिलेंटी बस bus non, non dormantibus, equitas, equitas, sub verbit, ठीक है? इसका मतलब क्या है? Basic essence क्या है? Equity assess The vigilant, the vigilant, and not the one who sleeps over their right. Take care, Kya vigilant. इक्विटी इज द विजिलेंट एंड नॉट द इनडोलेंट बिल्कुल एक्जैक्टली करेक्ट तनवीर यही इसका मतलब है विजिलेंटी नॉन डोमेंटिबस एक्विटास सब ठीक है इसका अर्थ क्या है कि जो इक्विटी uh, है ना वो उस व्यक्ति को असिस्ट करती है जो क्या होता है विजिलेंट होता है ना कि आराम से सो रहा है अपने अधिकार के ऊपर उसको ख्याल ही नहीं है कि उसका अधिकार क्या हो गया चला गया जैसे अगर आप मान लो आपको फॉर्म भरने की एक डेट दी गई है लास्ट डेट दे दी कि 25 मई तक जो है ट्वेंटी फिफ्थ मई तक आपको क्या करना है फॉर्म भरना है अब आप आराम से सो रहे थे ठीक है यू स्लीपिंग एंड ट्वेंटी को रात को आपको याद आया रात को साढ़े ग्यारह बजे कि अब यार फॉर्म भरना है और वेबसाइट डाउन थी ठीक है वेबसाइट कई बार आप देखते ना वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक ट्रा, हो जाता है तो सर्वर डाउन हो जाता है सर्वर डाउन था वेबसाइट का और आप फॉर्म नहीं भर पाए और अब आप चाहते हैं कि आपको लीगल रेमेडी मिल जाए तो आपको लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी क्योंकि जब आपको पूरे पच्चीस दिन दिए गए थे एक तारीख को फॉर्म निकला था या पिछले महीने की तीस तारीख को फॉर्म निकला था तो आपने इन पच्चीस दिनों में क्या किया आपने तब क्यों नहीं फॉर्म भरा अब आप आखिरी दिन आए हैं या आप पच्चीस तारीख के बाद आए हैं कि फॉर्म भरना है मुझे तो द कोर्ट विल रिजेक्ट योर प्ली या जो भी है आपका आपको लॉ जो है वो डिनाय कर देगा कि आप अब तक अपने अधिकार के ऊपर सो रहे थे आप अब तक अपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर सो रहे थे अब आप, आप सोते ही रहिए अब आप आपको इसके पीछे क्या नहीं मिलेगा रेमेडी नहीं मिलेगी ठीक है इट्स इज इक्वली एक ओके चलो अब आते हैं अपन अगली इसके ऊपर मैं देख लेती हूँ इसमें और कोई आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं मुझसे मिस हो रहा है हां जी तो यही था इसमें एक केस है स्मिथ वर्सेस क्ले का केस है जहां पर कहा गया है स्मिथ वर्सेस क्ले के केस में इट सेज दैट कोर्ट ऑफ इक्विटी रेफर्स कोर्ट ऑफ इक्विटी रेफ्यूजेस स्टेल डिमांड्स क्या कहा है कोर्ट ऑफ इक्विटी रेफ्यूजेस स्टेल डिमांड्स स्टेल मतलब पुरानी स्टेल डिमांड्स ठीक है कौन से केस में आया ये स्मिथ वर्सेस क्ले के केस में कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया ठीक है और कौन से केस, कौन से एयर का केस था 1967 17, 1767 का केस 1767 का ये आपका केस था जिसमें कोर्ट ने ये बात अपहेल्ड करी थी ठीक है अब इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वे, वेर एवर लैचेस। अगर आप लैचेस का डिफेंस लेना चाहते हैं ना हमने क्या पढ़ा है लैचेस का मतलब क्या होता है लैचेस का बेसिक अर्थ होता है डिले ठीक है अनरिजनेबल डिले इन ब्रिंगिंग द क्लेम इज नोन एज लैचेस जब भी आप किसी क्लेम को लाने में अननेसेसरी डिले करते हैं उस डिले को हम लैच बोलते हैं ठीक है और अगर आप इन केस इन अ केस ऑफ लैचेस द डिफेंस ऑफ एक्विशंस कैन बी अप्लाइड डिफेंस ऑफ एक्विशंस क्या है कि आप ये कहो कि सामने वाले ने क्या करा अगर मान लो मैं मेरा कोई अधिकार था जो अराइज हो रहा था मतलब जैसे मुझे फॉर्म भरना था 25 मई के पहले पहले मेरा राइट right अराइज हो चुका था लेकिन आई केप ओवर इट आई डिड नॉट गो एंड फिल द फॉर्म ऑन इन पर्टिकुलर डेज तो जब मैं बाद में जाऊंगी तो आप का या सामने वाली जो जैसे मान लीजिए पीएससी पीएससी अगर फॉर्म भरवा रहा तो पीएससी क्या कह करता है सिंपली पीएससी कैन से कि आप एक्विशेंस uh, लेकर के बैठे मतलब आप एक बिल्कुल uh, आराम से बैठे थे यू आर नेग्लीजेंट अबाउट योर राइट तो इसीलिए अब आपको क्या नहीं मिलेगा आपको इक्विटी का अधिकार नहीं मिलेगा यहां पर इक्विटी विल नॉट सर्व यू बिकॉज यू आर स्लीपिंग ओवर योर राइट ठीक है तो का आप क्या ले सकते हो? ले सकते सकते हो हो डिफेंस अगर कोई केस ऑफ लैच है तो एंड बाय एंडिंग द इक्विटेबल रेमिडी इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूज इन कौन से इंट्रोड्यूज हुआ था चीफ यंग वर्सेज चीफ यंग लीड वर्सेस एफ्रीकन एसोसिएशन लिमिटेड ठीक है इसमें पहली बार एफ्रीकन एसोसिएशन लिमिटेड इस पर्टिकुलर केस में पहली बार इस बात को

पर्टिकुलर maxim equality इज इक्विटी ठीक है इक्वेलिटी इज इक्विटी का मैक्सिम है आपका एंड जो मैक्सिम है वो कहता है एक एक्वा लिटासिटास एस्ट क्वासी एक्विटास बेसिकली इक्वालिटी ही क्या है इक्विटी है ठीक है एंड इट्स प्लेटो जो है वो डिफाइन करते हैं इक्वालिटी एज अ सॉर्ट ऑफ जस्टिस इक्वालिटी को क्या कहते हैं इक्वालिटी इज अ टाइप ऑफ जस्टिस इज सॉर्ट ऑफ जस्टिस एंड फर्दर पॉइंट्स आउट दैट इफ यू नॉट फाइंड एनी अदर इक्वालिटी इज प्रॉपर बेसिस क्या कहते हैं साथ में कि अगर आपको कोई और बेसिस नहीं मिल रहा है देने का, तो के बेसिस पे चले जाइए आप, ठीक है? ऐसा लीजिए जो को serve करे, then it will be what? Equity. हाँ जी, उसमें भी है हाँ मैगजीस ही आते हैं बिल्कुल मैगजीन ही आते हैं लेकिन क्या होता है आपको इंट्रोडक्शन तो देना पड़ता है तो इंट्रोडक्शन ओरिजिन ये सब चीजें पढ़ते हैं चलो uh, ये आपका बेसिक मैगजिम uh, था इक्वालिटी इज इक्विटी से रिलेटेड ठीक है और यही इसका एसेंस है कि बेसिकली अगर आपके पास में कोई और रीजन नहीं है कोई और बेसिस नहीं है जस्टिस सर्व करने का या केस डिसाइड करने का तो आप इक्वालिटी के ऊपर जाइए ठीक है इक्वालिटी विल सर्व इक्विटी इन इट अब चलते हैं नेक्स्ट मैग्जिम पे विच इज नेक्स्ट मैगज आपकी कहती है इक्विटी लुक्स इनटू द लुक्स टू द इंटें लुक्स इनटू द इंटेंट रादर देन द फॉर्म अगली मैग्जीम क्या है आपकी इक्विटी लुक्स इनटू द इंटेंट रादर देन द फॉर्म ठीक है इंटेंट रेदर देन दिल्फ दिस दिस इज द मैग्जिम बाई बाय द मीन्स ऑफ विच द इक्विटेबल रेमिडी वॉज एस्टैब्लिश विच अलाउज फॉर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बेटेड बाई टेकिंग इन टू अकाउंट द इंटेंशन ऑफ दी पार्टी देखो अगर आप कॉमन लॉ के ऊपर जाओगे अगर आप लॉ के ऊपर जाओगे, जाओगे तो वो क्या करता है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मोस्टली इसको कहां एप्लीकेबल बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ठीक है इस मैगजीन का पर्पज जो है मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेडिगेशन में यूज होता है और आप कॉन्ट्रैक्ट का दो तरह का इंटरप्रिटेशन होता है एक होता है सब्सटांस सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या उस संविदा के अंदर लिखा क्या हुआ है ठीक है साफ अक्षरों में लिखा क्या है ठीक है या लिटिल टर्म्स में क्या लिखा हुआ है दूसरा है इंटेंशन ऑफ पार्टी इंटेंशन ऑफ पार्टी हो सकता है कहीं आपका इंटेंशन कुछ और था लेकिन आप उसको शब्दों में ठीक से आ, नहीं लिख पाए क्योंकि मेरे दिमाग में इंटेंशन वो था जब मैंने अग्रीमेंट पढ़ा जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा मुझे लगा हाँ यार ठीक है मेरा मेरी बात सर्व हो रही है यहाँ पर और मैंने उसको साइन कर दिया बाद में मुझे पता चला कि नहीं यार मेरी इंटेंशन मेरे दिमाग में क्लियर थी इसीलिए शायद मुझे लगा कि ये बात क्लियर पता चल रही है लेकिन जो सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो इस बात को सर्व नहीं कर रहा तो अगर हम इक्विटी की बात करें अगर हम कॉमन लॉ की बात करें तो कॉमन लॉ इसको सर्व करेगा ठीक है कॉमन लॉ क्या बोलेगा कि हाँ यार सब्सटेंस कहता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए तो ठीक है अगर सब्सटेंस में अवेलेबल नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होगा लेकिन आपका इक्विटी जो है ना वो इंटेंशन को एड्रेस करता है इक्विटी कहता है कि जो सब्सटेंस है वो तो देखना ही है लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि उन पार्टीज का बेसिक इंटेंट क्या था ठीक है जैसे अगर आप देखो एक केस कॉन्ट्रैक्ट में था मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास वाला केस तो उसमें क्या होता है एक माइनर के साथ संविदा करते हैं माइनर के साथ जब आप संविदा करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अनएनफोर्सेबल बना दिया जाता है और साथ में ये भी आता है वर्डेड कोर्ट का कि अगर आप माइनर के साथ में संविदा करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल बी अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड साथ ही एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट की मान्यता नहीं होगी दूसरी बात यह कि आपको पनिशमेंट मिलेगा क्यों क्योंकि हम वहां पर सिर्फ सब्सटेंस नहीं देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट का हम क्या देख रहे थे कि यार क्या इक्विटी सर्व हो रही है उस बच्चे को जिसको आइडिया ही नहीं है कि वो किस चीज के लिए साइन अप कर रहा है आप कैसे पूछ सकते हो आप उसको कैसे दोषी ठहरा सकते हो तो इसीलिए आपको क्या देखना है कि क्या इक्विटी सर्व होती है या नहीं होती है और पार्टी का इंटेंशन क्या था हो सकता है पार्टी का इंटेंशन ये था कि माइनर ही तो है मैं इससे अगर मान लो ज्यादा बेनिफिट भी निकाल लू इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तो इसे क्या पता चल रहा है तो आपका भी जो इंटेंशन था वो क्या था डिफ्रॉड करने का था इसीलिए इक्विटी हमेशा इंटेंशन देखेगा पार्टी की ना कि सिर्फ सब्सटेंस इंटेंशन क्या है इक्विटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी हमेशा इंटेंशन को देखते हुए मैटर को एड्रेस करता है सिर्फ आपके सब्सटेंस को देख करके एड्रेस नहीं करता आई होप आई एम क्लियर इक्विट ठीक है आई एम आई क्लियर प्लीज मुझे एक बार बता दीजिए कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है कि नहीं आया है देखो, जैसे अगर मान लो एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर लैंड पीस ऑफ लैंड खरीदना था ठीक है मेरा पूरा इंटेंशन है वो पीस ऑफ लैंड खरीदने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि यार मैं आपको जो है फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जनवरी 2024 को पूरा पेमेंट कर दूंगी पीस ऑफ लैंड का ठीक है है जो बचा हुआ है, last, uh, बचा हुआ है lakh, तो पेमेंट एक लास्ट इंस्टॉलमेंट पहला जनवरी आ, आ गया मैंने पैसा नहीं दिया तो कोर्ट जो है ना आपका जो सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहता है कि अगर मैंने पहले जनवरी को पैसा नहीं दिया तो मुझे क्या मिलेगा मुझे पनिशमेंट मिल जाएगा लेकिन आप का लॉ ऑफ इक्विटी ये कहता है कि भाई पता तो करो क्यों पैसा नहीं दे पाया एक बार उसका इंटेंट तो है लैंड खरीदने का जिस बंदे ने अगर मान लो कि मैंने पचास लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी तो मैंने अगर फोर्टी नाइन लाख में दे चुकी हूं तो माई इंटेंट इज डेफिनेटली टू द लैंड ठीक है मेरा इंटेंट तो है ही लैंड बाय करने का अब जो एक लाख का मुझसे आ, मैं नहीं दे पाई हूँ उसके पीछे आप पूछो रीजन पूछो कि मैं क्यों नहीं दे पाई हूँ एंड अगेन आस्क मी कि मेरा इंटेंट क्या है तो लॉ ऑफ इक्विटी आपको यहाँ पर मेरा इंटेंशन इंटरप्रेट करने के में हेल्प करता है या मेरे इंटेंशन को समझने के लिए प्रोविजन देता है कि भाई तुम उस बंदे का इंटेंट भी तो देखो कि उसने फोर्टी नाइन दे दिया है एक लाख नहीं दे पा रहा है तो एक लाख नहीं दे पाने के पीछे हो सकता है कोई रीजन हो उसके पीछे कोई मजबूरी हो उसकी उसकी सैलरी नहीं आई हो अभी तक तो अगर हमको सब्सटेंस पे जाएंगे हम तो मैं दोषी हूँ लेकिन हम इक्विटी पे जाएंगे तो मैं दोषी नहीं हूँ मुझे क्या मिलेगा मुझे एक और चांस मिलेगा मुझे एक फ्रेश पीरियड कोर्ट दे देगा कोर्ट कहेगा ठीक है एक काम करते हैं मैम हम इस डेट को उठा करके तीन मार्च कर देते हैं थर्ड ऑफ मार्च कर देते हैं या फर्स्ट ऑफ मार्च कर देते हैं अब फर्स्ट ऑफ मार्च दो तक आप बचा हुआ एक लाख रुपए दे दीजिए प्रॉपर्टी आपकी लेकिन अगर अब आपने तीन मार्च के बाद नहीं दिया प्रॉपर्टी तो हम प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है वो सेलर के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी और उसका कुछ भी कुछ एक अमाउंट जो है वो हम उसमें से काट लेंगे ठीक है इज़ वॉट दिस इज वॉट इक्विटी अलाउज यू टू डू कि आप बंदे का इंटेंशन इंटरप्रेट करो सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस मत इंटरप्रेट करो और मोस्टली ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को इंटरप्रेट करते हैं किसी संविदा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं आगे चलते हैं अपने अगले उसके ऊपर अगले मैग्जिम के ऊपर अगली मैग्जिम कहती है इक्विटी लुक्स ऑन दैट दैट एज डन विच ऑट टू हैव बिन डन Equity looks at that which ought to have been done. ठीक है क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये बेसिकली मैगजम स्टेट आर इन केस वे इंडिविजुअल आर रिक्वायर्ड बाय लॉ और बाय अग्रीमेंट टू परफॉर्म एनी एक्ट ऑफ लीगल सिग्निफिकेंस इक्विटी विल रिगार्ड दैट एक्ट एज एज इट टू हैव बीन डन एक्चुअली हैपेंड ठीक है क्या कह रहा है कि आपको जो इक्विटी है वो ऐसा मान के चलेगा कि जो काम होना था वो हो गया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब नहीं भी हुआ है ना काम तब से इस चीज को लॉ ऑफ इक्विटी मान के चलता था प्रिंसिपल रिजल्ट इन द लीगल फिनोमिना ऑफ इक्विटेबल कन्वर्जन अंडर विच द बायर ऑपटे द इक्विटेबल टाइटल टू द प्रॉपर्टी इवन बिफोर द सेल हैज बिन एक्चुअली इफेक्टेड ठीक है अब इसी में मैं आप लोगों को अः uh, uh, यहाँ पर uh, एक और चीज दी हुई है द चीफ दिस मैगजीन हैज इट्स चीफ एप्लीकेशन इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी विल ट्रीट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट

इक्विटी ये मान के चलता है कि ये दोनों ही व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट में कंटेम्प्लेट कर रहे हैं आप बायर है आप मुझसे वो फ्लैट खरीदना चाहते हैं ठीक है तो आ, दोनों का बेसिक इंटेंशन क्या है एक का इंटेंशन फ्लैट बेच करके पैसा लेना है और एक का बेसिक इंटेंशन पैसा दे करके फ्लैट खरीदना है

ठीक है एक्ट डन बाब्लगेशन फॉर एग्जाम्पल इफ द डेटर लीज अगे ऑफ हिस्सिटर लेगेटर क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं मान लीजिए मुझे दो लोग थे दो पार्टी थी एक पार्टी को कुछ काम करना था दूसरी पार्टी के प्रति ठीक है उस पार्टी को जो काम करना था वो वो नहीं करके कुछ और काम करके आ गई ठीक है उसने कोई दूसरा काम कर दिया तो आप हाँ मैं एक सेकेंड ले सॉरी नाइन्थ मैक्सिम है नाइन्थ मैक्सिम है इक्विटी इम्प्यूट्स इक्विटी इम्प्यूट्स एंड इंटेंशन टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन इम्प्यूट्स एंड इंटेंशन टू फुलफिल an obligation ठीक है क्या कह रहा है बेसिकली बेसिकली ये ये मैक्सिम 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 ठीक है 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 याद रखना ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करना था उसने वो काम नहीं करके कुछ और काम कर दिया ठीक है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो काम उसने दूसरा जो काम उससे हो गया है ना वो एकदम क्लोज अप्रोक्सीमेशन में है यानी कि बहुत क्लोज अप्रोक्सिमिटी में उससे मिलता जुलता है ठीक है जैसे कि एक एग्जाम्पल मान लो कि एक डेटर था यानी कि एक बंदा था जिसने किसी से कर्ज लिया ठीक है और उस कर्ज को तो वो दे नहीं पाया लेकिन वो अपनी विल में लिख गया कि मेरा फलाना प्लॉट जो है मैं उस क्रेडिटर के नाम करता हूं क्योंकि मैंने उसका मैंने उससे कर्ज लिया था ठीक है तो अब ये जो दूसरा काम वो कर गया है ना जो वो अपनी प्रॉपर्टी है जो अपनी लेगेसी पीछे छोड़ गया है डेटर के लिए अब वो क्रेडिटर के लिए वो सफिशियंट हो या इनसफिशियंट हो या मोर देन देट हो वो सब क्या हो जाएगा क्रेडिटर का हो जाएगा ठीक है वापस में एक्साम्पल एक बार रीड आउट कर की स्ट्रिक्ट में लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल इफ अ डेटर लीव अस क्रेडिटर विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डेट ओड बाई हिम देन इक्विटी वुड रिगार्ड सच लेगेसी एज दी फुलफिलमेंट ऑफ दिगेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डेट ओर्ड दैट पर्सन ठीक है तो हम क्या मान लेंगे कि इक्विटी 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 क्या है है वही वही जो उसने अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दी ना उसके वही है. या आप जो जो काम काम करना आपने जो काम किया था अगर आप वो काम नहीं कर पाए आपने उस काम से कुछ उस काम से थोड़ा बहुत कुछ इनसफिशियंट थोड़ा ज्यादा कर दिया तो हम इक्विटी ये मान करके चले मतलब हम क्या मानेंगे कि ये जो काम आपने थोड़ा बहुत करके दे दिया ना ये इक्विटी सर्व कर रहा है मान लीजिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पूरा क्रैश कोर्स करा के दूंगी ट्रस्ट का ठीक है लॉ ऑफ ट्रस्ट का मैं पूरा क्रैश कोर्स आपको करा के के दूंगी अब उस लॉ ऑफ ट्रस्ट क्रैश कोर्स में एक आधा टॉपिक मुझसे कोई मिस हो गया ठीक है मुझे पांच टॉपिक कवर करने थे मैंने चार ही टॉपिक कवर करे तो क्या मान के चलोगे इक्विटी क्या कहती है कि भाई मैडम ने जो कर दिया है ना दैट दैट इन इट इज सफिशियंट फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटी ठीक है तो जो मैम ने किया है वो इक्विटेबल एक्ट है अपने आप में समझ में आया ये बात सबको अब नेक्स्ट मैक्सिम पे आते हैं नेक्स्ट मैक्सिम है इक्विटेबल एंड लीगल इंटरेस्ट या फिर इक्विटी एक्शन इन इक्विटेबल एंड इक्विटेबल एंड लीगल इंटरेस्ट या फिर इक्विटी एक्ट इन ठीक है 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 अब बेसिकली इस का मतलब क्या है? है और यह मैगजीम कहती है आपसे इक्विटेबल इंटरेस्ट एंड टाइट्स आर दैट फाउंड रिकग्नेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इक्विटी ठीक है इक्विटेबल इसने बेसिकली इंटरेस्ट को दो में बांटा है ठीक है एक हो गए आपके इक्विटेबल इंटरेस्ट जिससे रिलेटेड चीज क्या है इक्विटेबल एक एग्जाम्पल दूंगी तब आप लोग समझ जाएंगे इक्विटेबल एस्टेट और ये क्या है आपका लीगल एस्टेट। तो इट से क्या कह रहा है इक्विटेबल इंटरेस्ट एंड फाउंड रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉम कोर्ट्स ऑफ इक्विटी लीगल इंटरेस्ट एंड राइट्स वर विच बाय द कॉमन लॉ कोर्ट्स इनको कौन प्रोटेक्ट करता है कॉमन लॉ कोर्ट्स और इसको इक्विटी इक्विटी कोर्ट्स। इसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं ठीक है इक्विटी एक का साथ दे रही है दूसरे का साथ कॉमन लॉ दे रहा है अब टेक्निकली दोनों चीजें है क्या? क्या है राइट इज वेस्टेड इन वन पर्सन बाय लॉ शुड इन व्यू ऑफ इक्विटी बी एज अ मैटर ऑफ कॉन्शियस वेस्टेड इन अनदर एग्जाम्पल अट्रस्टीट वेस्टेड इन हिम वेल द बेनिफिशरी हैज एन इक्विटेबल एस्टेट ग्रांटेड टू हिम यानी कि मान लो आप एक पीस ऑफ लैंड है ठीक है और ये उसका ट्रस्टी है ठीक है एंड दिस ट्रस्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्सन ठीक है ट्रस्टी ये है एंड दिस इज द ओरिजिनल ओनर जिसके पास में बाद में प्रॉपर्टी आ जाएगी ठीक है तो ये जो ट्रस्टी है ना ये आपका क्या है इसके पास में तो आपका इक्विटेबल uh, एस्टेट है ठीक है क्या कह रहा है बेसिकलीज ए लीगल एस्टेट वेर एज लीगल एस्टेट किसके पास में है ट्रस्टी के पास में लेकिन इक्विटेबल एस्टेट किसके पास में है आपके उस बच्चे के पास में है जो की माइनर है जिस, जिसकी प्रॉपर्टी का आप ध्यान रख रहे हो ठीक है तो uh, Similarly, where a contract of uh, contract for sale of land, the vendor has a legal estate with him till the conveyance has been executed. While the purchaser immediately on the contract gets the equitable interest in the land. यानी कि जब भी आप एक agreement किया आपने किसी को ज़मीन बेचने का, तो जैसे ही आपने ज़मीन बेचने का agreement कर दिया ना, जैसे मान लो मैंने किसी से ज़मीन खरीदी, जैसे ही वो agreement या contract execute हुआ, मेरे पास में equitable right आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्विटेबल लेकिन लीगल एस्टेट किसके पास में अभी भी क्योंकि सामने वाले इंसान ने जो वेंडर था उसने प्रॉपर्टी अभी तक डिलीवर नहीं करी है मुझे तो उसके पास में लीगल एस्टेट है तो जिसके पास में लीगल एस्टेट होता है वो कौन है जो जिसका इंटरेस्ट लॉ प्रो, प्रोटेक्ट कर रहा है ठीक है और इक्विटी क्या है कल को अगर मान लो वो वे व्यक्ति कर वेंडर कह दे कि नहीं अभी तक तो मैंने आपको पोजीशन नहीं दी और मैं आगे भी देने के इच्छुक नहीं हूं तो मैं मुझे लॉ ऑफ इक्विटी क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा वो बताए वो मुझे इस चीज से प्रोटेक्ट करेगा कि मैं पेमेंट कर चुकी हूं मेरा इंटेंशन था खरीदने का मैंने अपने इंटेंशन के फर्दरेंस में पेमेंट भी कर दिया है तो अब मुझे जस्टिस मिलनी चाहिए सो इक्विटी जो इक्विटी कोर्ट है जो लॉ ऑफ इक्विटी है वो मेरे राइट को रिकॉग्नाइज करेगा यहाँ पर ठीक है तो ये आपका एक हो गया इक्विटी आ, और इक्विटी जो है वो पर्सोना में कैसे एक्ट करती है कि आप एक व्यक्ति के अगेंस्ट जो है आ, राइट को अपने क्या करा सकते हैं मतलब एक व्यक्ति के पास राइट होता है आपका प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपके पास में इक्विटी का राइट नहीं होता है इसमें कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं आर आर बिटवीन लीगल लीगल एंड इक्विटेबल इंटरेस्ट एज एस्टेट इज ऑलवेज सुपीरियर टू इक्विटेबल इंटरेस्ट ठीक है लीगल एस्टेट क्या होगा हमेशा सुपीरियर होगा इस क्योंकि सुपीरियर है इसीलिए उसका ध्यान कौन रख रहा है कॉमन लॉ रख रहा है क्योंकि कॉमन लॉ के अंदर क्लियरली प्रेस्क्राइब है लीगल एस्टेट को बचाने की बात इसीलिए लीगल एस्टेट क्या है सुपीरियर है

फिर है लीगल एस्टेट इज एंजॉयड अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड ठीक है लीगल एस्टेट कैसे नेचर का होता है इट्स अ राइट इन रेम राइट इन रेम यानी कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज अगेंस्ट होल वर्ल्ड वेयर एज आपका इक्विटेबल क्या है इक्विटेबल इंटरेस्ट क्या है या इक्विटेबल इक्विटेबल एस्टेट इज बेसिकली राइट राइट इन इन इसका मतलब क्या हुआ इनपोसिबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल इट कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन फिर आते हैं अपने लास्ट के दो uh, मैग्जींस पे ठीक है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं पहला क्या कहता है द फर्स्ट द says where the इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम विल प्रिवेल वेयर where द इक्विटीज इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम देखो ये बहुत इजी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं ना तो हमने वहां ये सारी बातें पढ़ी हुई है ठीक है बस हमने इस फॉर्मेट में नहीं पढ़ी हुई है ठीक हमने लॉ पढ़ा हुआ है अब वो लॉ के पीछे इंस्पिरेशन क्या था तो वो ये मैग्जिम थी ठीक है या उसका एसेंस क्या था तो ये मैग्जिम थी अब ये बेसिकली कहता क्या है इट सेज बिटवीन पर्सन हैविंग ओनली इक्विटेबल इंटरेस्ट पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है दोनों के पास में इक्विटेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इफ देर आर टू पर्सन

यार देखिए मैं आपको जीएस जीएस के रिगार्डिंग नहीं गाइड कर पाऊंगी बट आप इस क्वेश्चन को कमेंट में पोस्ट कर दीजिए तो जो हमारी जीएस की फैकल्टी है वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगी ठीक है मैं लॉ की फैकल्टी हूँ आई के नॉट रिजोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स बट जो अगर आप इसे कॉमेंट में पोस्ट कर देंगे नीचे इमारा मलिक तो हमारी जो लॉ की फैकल्टी uh, uh, है ओशीन मैम शी विल एड्रेस योर क्वेरी ठीक है वो आपको गाइड कर देंगे कि वॉट फर्दर यू शुड डू

टेम्पो एस टेम्पोट एस्ट एस जो ठीक है ये आपकी क्या है एक मैगजिम है जिसके ऊपर ये प्रिंसिपल ये पूरा का पूरा आपका मैगज प्रिंसिपल बेस्ड है एंड ये क्या कहता है कि अगर दो लोगों के बीच में एक दो लोग एक जैसा इंटरेस्ट होल्ड करते हैं ठीक है तो उनमें से जिसके पास पहले आया इंटरेस्ट जिसके फेवर में इंटरेस्ट पहले क्रिएट हुआ उसको क्या मिल जाएगी उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी एक कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन के टाइम पे एज बिटवीन पर्सन ओनली हैविंग इक्विटेबल इंटरेस्ट ठीक है और दोनों के पास क्या इक्विटेबल इंटरेस्ट है एक के भी पास मतलब अगर ये पर्सन ए है दिस इज ए एंड दिस इज बी बोथ मस्ट ओनली हैव बोथ मस्ट ओनली हैव इक्विटेबल इंटरेस्ट इक्विटेबल इंटरेस्ट किसी के पास भी लीगल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए इक्विटेबल इंटरेस्ट क्योंकि अगर किसी के पास लीगल इंटरेस्ट है तो लीगल इंटरेस्ट वाले को क्या मिल जाएगी प्रायोरिटी मिल जाएगी ये तो हम जानते ही है तो इसीलिए आपके पास में इक्विटेबल इंटरेस्ट दोनों के पास इक्विटेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एंड इफ देर इक्विटीज आर इन ऑल अदर रेस्पेक्ट इक्वल और इनकी इक्विटीज भी क्या है इक्वल है इक्विटीज आर ऑल्सो इक्वल ऑल्सो इक्वल देन इन दैट केस अब देखो मान लो किसी एक प्रॉपर्टी में किसी एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए या किसी एक व्यक्ति से आपने अः मतलब दो लोगों ने आपको क्या दिया कर्ज दिया ठीक है आपने दो लोगों से कर्ज लिया और आपने जो जमीन है उन दोनों के नाम कर दी आपने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया और आपने दोनों के नाम कर दी अब दोनों लोगों ने आपको पचास पचास लाख का ही कर्ज दिया था और दोनों के पास में इक्विटेबल इंटरेस्ट ही था दोनों को आपने क्या कहा था मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा अगर मैं आपको पचास लाख रुपए नहीं दे पाया तो, तो दोनों के फेवर में क्या क्रिएट हो गया इक्विटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया इक्विटेबल क्यों इक्विटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ आपने लिखा था कि अगर मैं फलानी तारीख को पचास लाख रुपए आपको नहीं दे पाता हूं तो मेरी जमीन जो है वो आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी मैं अपनी जमीन आपके नाम ट्रांसफर कर दूंगा तो ये क्या हुआ इक्विटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया इन दोनों के नाम पे ए और बी जिन्होंने आपको जो क्रेडिटर्स थे इनने आपको पैसा दिया उनके नाम पे ठीक है अब आपकी इक्विटीज भी इक्वल है इक्विटीज क्या हो गई कि आप ए ने भी जो बंदा है डेटर उसको पचास लाख रुपए दिए थे और बी ने भी डेटर को पचास लाख रुपए दिए थे तो आपकी इक्विटीज भी इक्वल हो गई तो अब अगर आप कोर्ट के पास जाएंगे दोनों अपना अपना इक्विटेबल इंटरेस्ट लेकर के ए और बी तो कोर्ट क्या कहेगा तुम में से पहले किसने उधार दिया था ये बताओ तो जिसने पहले उधार दिया होगा उसके इंटरेस्ट में पहले इक्विटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा है ना उसके लिए पहले इक्विटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ तो उस व्यक्ति को प्रायोरिटी मिल जाएगी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके फेवर में पहले क्या होगा सोल्व रिजोल्व होगा लेकिन अगर इक्विटीज अनईक्वल है ना तो फिर ये ये आपकी मैग्सिम एप्लीकेबल नहीं होगी ठीक है इफ द मॉरल इफ द मॉरल क्लेम्स ऑफ द एंड द डिफेंडेंट आर नॉट ऑन एन इक्वालिटी द वन हु हैज अ बेटर क्लेम विल बी प्रिफर्ड ठीक है और दोनों के अगर क्लेम्स इक्वालिटी पे नहीं है तो जिसका क्लेम ज्यादा बेटर होगा उसको ज्यादा मिल जाएगा मान लो कि एक ने लाख दिए होते इन्होंने अगर दोनों ने 50, 50 लाख दिए हैं तो दोनों में से जिसने पहले दिया होगा उसको मिल जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर एक ने पचास दिए और एक ने साठ दिए हैं तो भाई इसका क्लेम बेटर है ना साठ वाले का बेटर है इसने ज्यादा पैसा दिया हुआ है तो फिर इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी चलिए इसका एक एग्जांपल भी है सेक्शन 48 ऑफ टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन फोर्टी एट देखेंगे अगर तो इट लेस डाउन दट वैनसेसिव ट्रांस वेन सक्सेसिव ट्रांसफर्स ऑफ द सेम प्रॉपर्टी हैव बीन द लेटर इन द डेट मस्ट द लेटर इन द डेट डेट मस्ट गिव अवे टू द अर्लियर ठीक है यही जो मैंने बात एक्सप्लेन करी कि जो भी बाद में आया है वो पहले वाले को क्या कर देगा प्रायोरिटी दे देगा दोनों ने एक ही प्रॉपर्टी के लिए एक ही प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी रखते हुए पैसा दिया था सामने वाले बंदे को क्रेडिट दिया था ठीक है uh, मतलब लोन दिया था और दोनों बंदों के पास में दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था तो अब जो पहले आया था जिसने पहले इंटरेस्ट दिया था उसको प्रायोरिटी मिलेगी अपना इंटरेस्ट क्या करने में रि uh, करने में चलिए अब मैक्सिम ध्यान रख लीजिएगा ठीक है ये मैक्सिम ध्यान रख लीजिएगा नहीं स्पेलिंग समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा लिख देती हूँ उसके बाद में आपकी ट्वेल्थ मैग्जिम और लास्ट मैग्जिम है ट्वेल्थ मैक्सिम भी इससे मिलती जुलती ही है ठीक है ट्वेल्थ मैग्जिम क्या कहती है वेर इक्विटीज आर इक्वल द लॉ प्रवेल्स वेर इक्विटीज आर इक्वल वेर इक्विटीज आर इक्वल लॉ प्रवे लॉ प्रिवेट्स अब वर्टिक पिछले वाली सिचुएशन में क्या हो रहा था कि इक्विटीज तो इक्वल थी लेकिन जो टाइम में पहले थी उसको वैल्यू दी जा रही थी ठीक है अब यहाँ पर क्या है इक्विटीज भी आपकी क्या है सेम है लेकिन लॉ प्रिवेल करेगा तो किस तरह से क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली इक्विटीज आर इक्वल द लॉ शैल प्रिवेल एंड इट सेज वेयर द क्लेम ऑफ टू पर्सन आर इक्वली इक्विटेबल यानी कि मान लो दोनों लोगों दो लोग दो लो थे दोनों ने पचास पचास लाख रुपए का दोनों का क्लेम था ठीक है ही हु ओन्स द लीगल एस्टेट इन एडिशन विल बी प्रेफर्ड अब याद रखना मैंने एक एग्जाम्पल दिया था की एक प्रॉपर्टी है ठीक है ये दो बंदे हैं ए और बी और ये सी की प्रॉपर्टी थी ठीक है सी ने अपनी प्रॉपर्टी जो है इसको भी बेच दी पचास लाख में इसको भी बेच दी पचास लाख में दोनों से पचास पचास लाख रुपए बोल दिया और इनको गिरवी रख दी बेची नहीं गिरवी रख दी इनके पास में प्रॉपर्टी ठीक है क्या कहा पचास लाख रुपए में आपको गिरवी रख रहा हूं अगर मैं पचास लाख रुपए नहीं दे पाया तो आप मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी ठीक है और बी से भी ये कह यह क्या पचास लाख रुपए मुझे दे दो तो अगर मैं नहीं दे पाया तो मेरी ये वाली प्रॉपर्टी आप रख लेना दोनों के फेवर में इक्विटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और दोनों के इक्विटेबल इंटरेस्ट कैसे थे सिमिलर थे सेम थे ठीक है एक बराबर थे इक्वल थे तो दोनों की इक्विटीज यहाँ पे पचास पचास लाख की हो गई ठीक है इक्विटीज का मतलब समझ गए ना कि दोनों की इक्विटी पचास पचास लाख की हो गई लेकिन जो बी था ना उसको थोड़ा सा इसके बारे में पता था उसको आइडिया था कि यार ये ऐसा ना हो डिफॉल्ट कर दे कहीं तो इसने कहा कि ठीक है मैं पचास लाख का तुम्हें लोन तो दे रहा हूं लेकिन मुझे पोजेशन दो तुम ठीक है मैं इस प्रॉपर्टी को पोजेस करके रखूंगा अगर तुमने मुझे पचास लाख रुपए दे दिए मैं प्रॉपर्टी पे से पोजेशन खाली कर दूंगा अगर तुमने नहीं दी तो मैं पोजेशन रख लूंगा भाई अल्टीमेट तुम यही करने वाले हो ना कि पचास लाख दिए तो ठीक है नहीं दिए तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे तो मैं आज तुमको पचास लाख रुपए दे देता हूँ और साथ में तुम मुझे पोजेशन दे दो तो इसने इससे क्या ले ली पोजेशन भी ले ली अब इसके पास में इक्विटेबल इंटरेस्ट तो था ही इक्विटेबल इंटरेस्ट जब इसने 50 लाख रुपए दिए और साइन करवाया उस कागज पे कि अगर तुम 50 लाख रुपए नहीं दे पाए तो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी या जो भी गिरवी रखने के मॉर्गेज के जो पेपर्स थे जिस दिन मॉर्गेज पेपर साइन हुए मॉर्गेज पेपर साइन हुए उसी दिन क्या क्रिएट हो गया इक्विटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया लेकिन अब आपने पोजेशन भी ले लिया तो अब आपने जैसी पोजेशन भी ले लिया सामने वाले इंटरेस्ट से आपका लीगल इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया या लीगल एस्टेट भी क्रिएट हो गया अब आप देखना दोनों दोनों की 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 इक्विटीज इक्विटीज एक बराबर है 50-50 लाख रुपए हैं, ठीक है थीके? और दोनों की इक्विटीज अब और इस केस में पर्टिकुलर केस में टाइम की वैल्यू नहीं देखी जाएगी क्यों क्योंकि एक के पास में अपर हैंड है एक के पास में पोजेशन भी है अब भले ही इस व्यक्ति ने ठीक है ए ने मान लो और बी ने लोन दिया था ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में दिया था इसने टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के डिसम्बर में दिया ठीक है तो भी क्या होगा इसने पहले दिया इन टाइम ये अहेड है इक्विटी दोनों की बराबर है टाइम में ये पहले चल रहा है लेकिन इसके पास ये एक प्लस पॉइंट आ गया इसके पास में लीगल इंटरेस्ट भी है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी समझ में आया एम आई क्लियर अगर मैं क्लियर नहीं हूं तो प्लीज मुझे बताइए आई अगेन एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंट है ये दोनों लास्ट की मैग्जिम्स तो इसलिए मुझे एक बार बताओ क्योंकि इसके ऊपर अगर रेलवे स्टेशन क्वेश्चन आता है तो यू विल सफर तो इसलिए मुझे प्लीज बता दो अगर आपको मैगजिम क्लियर नहीं हुई है तो 11th वाली रिपीट कर दूं ठीक है चलो मैं बता देती हूँ 11th वाली ये क्लियर हो गई 12th वाली 12th वाली में ध्यान रखना 50 50 लाख रुपए, यानी कि इक्विटी जो है इक्विटी दो इक्विटीज आर इक्वल इक्विटीज आर इक्वल ठीक है दोनों ने सेम अमाउंट का दाव लगाया था ठीक है दोनों का जो सेम जो पैसा था वो बराबर लगा हुआ था ठीक है इक्विटीज इक्वल थी लेकिन ये जनवरी में इसने पैसा दिया था और बी ने दिसंबर में पैसा दिया था तो टाइम में पहले कौन था टाइम में पहले ए था तो इसीलिए इलेवेंथ वाली के अंतर्गत ए को प्रायोरिटी मिल जाएगी ठीक है एक बार पिछले पेज पे ले ही जाती हूं ठीक है यहां पे मान लो दोनों की इक्विटी जो है पचास पचास लाख रुपए है दोनों की इक्विटी कितनी है फिफ्टी लाख है ये रही पचास लाख की इक्विटी दोनों ने पचास पचास लाख रुपए दिए थे किसको सी को मिस्टर सी को दिए थे अब पचास लाख की इक्विटी यानी कि दोनों की इक्विटीज क्या है इक्वल है ए ने पैसा दिया था फर्स्ट जैन को फर्स्ट जैन 2023 और बी ने पैसा दिया था कितनी तारीख को थर्ड मार्च 2023 तो समय में पहले कौन आया पहले कौन आया ए आया पहले तो पहले का पहला इंटरेस्ट सर्व करोगे ठीक है वन हु कम्स फर्स्ट इन टाइम शेल बी सर्व फर्स्ट ठीक है पहले एक वो बोलते ना इंग्लिश में फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो ये फर्स्ट आया था पहले आया था ये इसने इसके पास में जो इंटरेस्ट है इक्विटेबल इंटरेस्ट है वो पहले क्रिएट हुआ था इसीलिए इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी ये आपकी इलेवेंथ डॉक्ट्रिन कहती है ठीक है इलेवेंथ डॉक्ट्रिन सच में साथ में एक और बात भी कहती है कि अगर यहीं पर अमाउंट अलग होता ए ने

एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए तनवीर क्लैरिटी है इसमें ठीक है अब चलते हैं अपन दूसरी बात पर दूसरी जो आपकी ट्वेल्थ मैग्जिम है वो ये कहती है कि एक तो होता है इक्विटेबल इंटरेस्ट है ना हमने पढ़ा था पिछले पीछे कि इक्विटेबल इंटरेस्ट क्या इक्विटेबल इंटरेस्ट ये है कि आपने मुझसे कहा कि आपने मुझे एक अमाउंट दे दिया और आपने कहा मैं तुमसे तुम्हारी ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं ठीक है अब आपने भली प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर नहीं करी लेकिन मेरे फेवर में इक्विटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और लीगल इंटरेस्ट क्या है लीगल इंटरेस्ट है उस व्यक्ति के पास में या लीगल एस्टेट उस व्यक्ति के पास में जिसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी थी उसने अभी तक रिटेन करी नहीं करी हुई डिलीवर नहीं मान लो मैंने से एक पीस ऑफ लैंड खरीद दिया मैंने तनवीर को पेमेंट कर दिया उसके लिए लेकिन तनवीर ने अब तक मुझे प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करी है तो तनवीर के पास में लीगल एस्टेट या लीगल इंटरेस्ट है और मेरे पास में इक्विटेबल एस्टेट या इक्विटेबल इंटरेस्ट है ठीक है समझ में आई ये बात तो अब ऐसे ही दो इक्विटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हुए ठीक है तनवीर की प्रॉपर्टी थी तनवीर ने एक प्रॉपर्टी मिस्टर ए को दी और वही प्रॉपर्टी पे तनवीर ने मिस्टर बी का भी बी को भी मॉर्गेज पे इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया तो ए के फेवर में और बी के फेवर में क्या क्रिएट हो गया इक्विटेबल इंटरेस्ट क्रिएट हो गया दोनों की इक्विटीज कितनी थी पचास लाख रुपए पचास लाख रुपए यानी कि इक्विटीज भी बराबर थी तो अब आप किस चीज पे ध्यान दोगे कि अगर तनवीर ने क्या किसी को पोजेशन दे रखी है अगर पोजेशन मिली हुई है देखो इलेवेंथ मैग्जी के हिसाब से अगर इक्विटीज बराबर है तो जो पहले आया टाइम में उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी लेकिन मैग्जिम ट्वेल्थ मैगजीम कहती है कि अगर इक्विटीज इक्वल है लेकिन एक के पास में लीगल इंटरेस्ट भी क्रिएट किया हुआ है ठीक है इक्विटेबल इंटरेस्ट तो दोनों के पास है लेकिन एक को पोजेशन दे दी और पोजेशन दे करके लीगल इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया उसके फेवर में लीगल एस्टेट भी उसी को दे दिया है तो फिर इन दैट सिचुएशन लीगल एस्टेट वाले को क्या मिल जाएगा प्रायोरिटी मिल जाएगी अब बेसिकली ये कह रहा है कि इक्विटेबल इंटरेस्ट इक्विटेबल इंटरेस्ट और आपका लीगल इंटरेस्ट अगर दोनों किसी व्यक्ति के पास में है ना तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी किसी के पास में सिर्फ इक्विटेबल इंटरेस्ट है तो फिर उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिल जाएगी समझ में आई अब समझ में आई ये बात फिर यहां पर डेट का रेलिवेंस नहीं रह जाएगा चाहे आपने एक साल पहले ही क्यों पैसा ना दिया हो लेकिन सामने वाले ने क्या ले लिया पोजेशन भी ले लिया तो पोजेशन का जिसके पास पोजेशन है जिसके पास में लीगल इंटरेस्ट है ना ये तो हमने पढ़ा था लीगल इंटरेस्ट और इसमें दोनों में डिफरेंस लीगल एस्टेट और आपके इक्विटेबल एस्टेट uh, में या लीगल इंटरेस्ट और इक्विटेबल इंटरेस्ट में कि दोनों में से लीगल एस्टेट को प्रिवेल किया जाता है या लीगल एस्टेट जो है वो ग्रेटर एस्टेट uh, है या ग्रेटर इंटरेस्ट है तो लीगल इंटरेस्ट क्योंकि ग्रेटर इंटरेस्ट है इसीलिए अगर लीगल इंटरेस्ट और इक्विटेबल इंटरेस्ट दोनों साथ में मिल जाएंगे ना तो उस व्यक्ति को क्या मिल जाएगी प्रायोरिटी मिल जाएगी यानी कि जो आपका जो क्रेडिटर भी है ना उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी क्योंकि पचास लाख रुपए भी दिए और साथ में पोजेशन भी ले लिया उसने तो उसके पास में इक्विटेबल इंटरेस्ट तो था ही मॉर्गी मॉर्गेज डीड के नाम पे और उसके पास में साथ में पोजेशन के साथ साथ लीगल इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया अब समझ में आ गया साक्षी तनवीर इज देर एनीबॉडी जिसको नहीं समझ में आया प्लीज बताओ मुझे फटाफट से फटाफट पड़ से बता दो अगर नहीं समझ में आया तो विल कंक्लूड द लेक्चर क्योंकि आप 12 मैगजीन हो गए आप लोगों के इसी के साथ आपका पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट uh, जो है कंप्लीट हो गया है ओके okay, चलो सो वील एंड द लेक्चर और इक्विटी का बेसिक एसेंस हम सब समझ गए हैं आई होप कि इक्विटी का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपना कॉन्शियस यूज कीजिए आप एक जस्ट एंड फेयर अप्रोच यूज कीजिए दैट विल बी

इज इक्विटी आई होप इज क्लियर ओके चलो चलिए अब नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं नेक्स्ट क्रैश कोर्स के साथ में ठीक है? विच विल बी मोस्ट प्रोबेबली ऑफ या या फिर ट्रस्ट। ट्रस्ट में से नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने कोई डील करेंगे अगले लाइव में विच विल्ड ऑन सैटरडे बाई गाइज है ग्रेट डे